subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update.
9:30 बर्ली कोलीवाड़ा में दिन दहाड़े कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने रमना नाम के होटल मालिक पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। तो अब यहाँ कैमरा लगाना। हाँ सर। अरे भाई यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ जाइए। तो सर आप हमें इस केस के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, ये रमन्ना यहाँ का बहुत बड़ा होटल वाला था। हाँ। आज वो सकाली सकाली अपने होटल के बाहर यहाँ खाट पे बैठा था। हाँ। गप्पा मारते हुए। हाँ। तभी मैटर के लोग आए और गोली मार के भाग गए। आपको कैसे पता कि वो मैटर के ही लोग थे? नहीं मतलब यहाँ कोई एक ऐसा बोल रहा था। अभी फाइनल कुछ नहीं, फाइनल कुछ भी नहीं है। हाँ हवालात में चल, सब याद आएगा। चुप करा उसको। इंस्पेक्टर भरूचा चल झाड़िया जल्दी चल। इंस्पेक्टर भरूचा, इन 10 दिनों में मैटर गैंग ने चौथी हत्या की है। आप जैसे इफिशियंट ऑफिसर के यहाँ ट्रांसफर होने के बावजूद देखो देखो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट और मैंने चार्ज भी अभी अभी संभाला है। एक मिनट सर। सर मेरे ख्याल से एक महीने से ज्यादा हो गया है ना? यस आई नो दैट, लेकिन मेरा पास कोई जादू का छड़ी तो है नहीं कि घुमाते ही सारा मुजरिम गायब हो जाएगा। हमारा कोशिश जारी है। आप तो पॉलिटिकल लीडर जैसे डायलॉग मारने लगे हैं सर। इस डायलॉग पर पॉलिटिशियन की मोनोपोली है क्या? एक मिनट देखो मिस, पॉलिटिशियन का पॉलिटिशियन की तरह बात करना मेरे को नहीं आता, बट आई कैन प्रॉमिस यू कि जो भी गैंग इसका पीछा है उसका पर्दाफाश बहुत जल्दी होएगा। जिसने भी ये खून किया है उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। हंडे बॉडी को एम्बुलेंस में रखो प्लीज। सर मुझे एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर साहब मेरे को कुछ मालूम नहीं साहब। फिर पुलिस को देख के छुप क्यों गया था तू? वो मैं डर गया था। डर गया था साला, पुलिस को येड़ा समझता है? चल तेरे मां की आत। सर यही है होटल का मैनेजर, ऊपर छुप के बैठा था साला। चलो चलो अंदर गाड़ी में साले। मेरे को छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मेरे को छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मेरे को छोड़ दो साहब। रमन्ना यहाँ का बहुत बड़ा होटल वाला था। आज वो सकाली सकाली अपने होटल के बाहर यहाँ घाट पे बैठा था। लड़का लोग को हाजिर कर देता है। तभी मैटर के लोग आए और डबल पैसा देगा। हाँ रमन्ना काफी बड़ा गैंग सलाम, वो जलसा बार का मालिक भी था। हफ्ता वसूली के लिए मैटर के गैंग के कुछ लोगों ने उस पर हमला किया और गोली चलाई। साली को जब भी देखो मैटर गैंग ही दिखता है। लगता है इसको मैटर गैंग के खिलाफ रिपोर्ट करने का पगार मिलता है। भाई कुछ भी बोल, आइटम विक्टिम चाबुक है। कान्या हाँ? देख ले। हाँ किरण जयवंत फजी टीवी। एक दिन तुझे इसको उठाना है। उठाएगा ना भाई। ये आखिरी बार फोन करता है तेरे को, इसके बाद सीधा ऊपर समझा? खोका भेज दे नहीं तो तेरा मैटर क्लोज है। समझ में आया? चल वाह बच्चा वाह।
क्या सॉलिड फील्डिंग लगा के रमन्ना को तूने फिनिश किया? पैसा मिलेगा ना रे, पैसा जाएगा किधर? पैसा मार्ट इसमें 10 कम है। ए जानता ना तू मैटर भाई के साथ बात कर रहा है? ए कान्या भाई होगा तेरा, समझा ना, आप उनका कोई भाई नहीं है साला, आप सिर्फ पैसे से मतलब रखता है, पैसे से। इसने सिर्फ गन रखी है, मैं तेरे खोपड़ी में छेद करके रख दूंगा। अरे हे बाबा है, हाथ नीचे रे, हाथ नीचे। अक्कल नहीं साले को, आपस में झगड़ने का क्या, नहीं झगड़ने का ना, अनपढ़ है साला अनपढ़ है। पहले दो गेम का पैसा देगा ना बाबा, सब पैसा देगा तेरे को, जल्द से जल्द पैसा देगा। हाँ अब जा, जा। चल नाना, चलिए सोनिया। एक कानिया, ये लोग है ना, इनके बलबूते पर अपनी भाईगिरी चलती है मुंबई में। ये लोग है इसके लिए अपने से सब लोग डरते रहे बाबा, ये लोग नहीं रहेंगे ना तो लोग अपना मैटर क्लोज कर देगा, समझा? अच्छी जगह ढूंढिए रे छुपने के लिए। अरे पहले दो गेम का पैसा कब देगा साला? अरे नहीं देगा तो साले को उड़ा देंगे। मुझे कोई मैटर की सुपारी दे तो मैं जाके अभी उड़ाऊं। अरे लेकिन ये पैसा कहाँ उड़ाएंगे? हाँ यार, इतना पैसा अपन लोग किधर को खर्चा करेगा? मैं तो कंप्यूटर खरीदूंगा। अरे घर पे नहीं दिखा सकते ना यार, मेरा बाप तो गला फाड़ के चिल्लाएगा, इतना पैसा कहाँ से ला। अरे साला ठोकेंगे हम लोग और साला ज्यादा पैसा कमाएंगे वो लोग। हाँ लाल्या, अपन लोग क्यों नहीं भाई बनते? नहीं नहीं, हम शूटर है वही ठीक है, भाईगिरी में जोखिम बहुत है। ए इतनी देर रात को कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो तुम? भोसले जी साहब, तलाशी ले लेंगे। हाँ साहब। सर वी आर ऑन द वे बैक टू होम सर फ्रॉम अ बर्थडे पार्टी। इंग्लिश बात। बट इफ यू वांट टू चेक अस। पढ़े लिखे अच्छे घर के लगते हो, रहने दो रहने दो। भोसले चलो जाओ जाओ घर जाओ डॉक्टर। चले चल चल। अच्छे घर का लड़का। चलो चल बैठ। नोट कितने मिलने वाले थे? नोट अविनाश मराठे ज्यादा भोला बनने की कोशिश करेगा ना तो तेरे इस कान में गरम गरम पिघलता हुआ मोम भर दूंगा मैं, भेजा जला डालूंगा तेरा, तेरे टकले पे जो बचे हुए बाल है ना एक एक करके उखाड़ दूंगा मैं, बहुत मारता हूं मैं, थोड़ा पागल भी हूं मैं, तू जानता नहीं है मेरे को, तेरे माँ की आँख तेरे। जाने दे ना मराठे, छोड़ यार के क्या मिलेगा, शरीफ आदमी लगता है, धमकी से डर गया होगा, बेचर की दोनों तरफ से मौत है, क्यों रे ठीक कहा ना? हाँ साहब, एकदम ठीक बोला साहब। कह रहे सदय, तेरी सेटिंग है क्या इसे, तेरे को कुछ मिलने वाला है क्या? अबे आखिर इंसानियत भी कोई चीज होती है। अरे इंसानियत सदिया, इंसानियत के अलीबाग और ईमान गया मांडवा और ये बड़वा, ये बड़वे ने जिसका नमक खाया उसी की टिप दी इसने। साले कभी इंसानियत नजर नहीं आई तेरे को, कभी इंसानियत नहीं समझी तेरे को, साले तेरे को तो मैं टायर में डाल दूंगा रे, चूका तेरा बाप भी मकेगा के लिए क्या है यार, क्यों टायर में डालने की बात करता है, इतना तो मारा है, अगर कुछ होता तो बोल ही देता ना अब तक। ए सदिया साला तू कॉलेज छोड़ के मत बोल, अबे कॉलेज छोड़ क्या करते हो तुम लोग, इसके साथ साले छोड़ यार, तुम लोग खाते हो तुम लोग, जा जा क्या दूसरे जा, अरे जा सबके सारे, समझाओ इसको, एक मिनट रुको सर, बोल दे पैसा कहां है मैंने, बोलो अपने आप को, अरे समझाओ उसको, जाओ कुछ भी बकता रहता है, ए खाना ले क्या सा, क्या समझता है खुद को आप, हां ए दे दे उसको, ए मैं था इसलिए बच गया, वरना जाता था बारह के भाव में। साहब आपका बहुत एहसान मानूंगा। चल चल खाना खा ले। साहब जल रहा है। क्या हुआ? मिर्ची मिर्ची जल रहा है साहब, मिर्ची मिर्ची मुंह जल रहा है। अच्छा बहुत ही पानी। अरे वो कमांडर, अरे दे दो साहब, अरे होटल वालों को बोलना इतना मिर्ची डालने का नहीं। आई अम्मा पानी 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 साहब, पानी देना मुझे तो, पहले पानी देना, पूरा फायर ब्रिगेड मंगाता हूँ। पहले बोल टिप किसने दी थी? सदा मांग गए तेरे को यार, क्या गेम किया तूने यार, पानी मांगता है ये, तू मर रे मर, तू ऐसे ही मर, तीखा लग के फटी पड़ी है ना अभी, मर साले मर, बताता हूँ साहब, साहब सब कुछ बताता हूँ, बता फटाफट। दो पेटी का आर्डर था, साहब को मैंने बाहर बुलाया था, मैटर को मैंने फोन किया था, पानी 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 पानी। मैटर कहाँ मिलेगा? दो 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 बजे रात को होटल डॉन में मिलेगा।
तेरे बाप की शादी चल रही है, बाहर खड़ी है, फटाके फोड़ो। अभी चल दो, आज साली को छोड़ने का नहीं, चल दो। इधर का पुलिस स्टेशन को फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ फौरन। पर सर ये मरा कैसे? चांसेस ऑफ हार्ट अटैक।
सर इतना बड़ा भाई और हार्ट अटैक? मेहनत का जिंदगी जीने का हिम्मत नहीं, इसलिए बॉय बन गया। मेहनत का जिंदगी जीने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए। खैर अभी फिलोसफी जाने का वक्त नहीं, पुलिस इनको फोन करो, फौरन पंचनामा कराना पड़ेगा। नाना, ए नाना, नाना। सोनर, लाल्या। नमस्ते। इतनी सुबह सुबह? अंकल नाना वो अंदर ना आ रहा है। आओ अंदर आओ। सुबह सुबह कैसे आए? बैठो। कह रहे उसका नाम आनंद है ना, नाना नाना क्यों बोलते हो? उसके सर पर भी नाना पाटेकर का भूत सवार है। और तेरा असली नाम क्या है रे लाल्या? अंकल हम सब लोग इसे लाल्या लाल्या कहकर पुकारते हैं। लाल्या, ये भी कोई नाम है? अरे इतना सुंदर सा लड़का है, माँ बाप ने कुछ सुंदर सा नाम तो रखा होगा। अनिल नाम है मेरा। हाँ ये हुई ना बात। संगीता इन लोगों को कांदा पाव देना। हाँ बाबा बना रही हूँ, उनके लिए भी बना रही हूँ। खा के जाना रे तुम लोग, और तुम कुछ काम धंधा ढूंढो, उसको भी जरा समझाना। संगीता मैं जा रहा हूँ ऑफिस। चाय पी के जाना रे तुम? नहीं दीदी, हम नाश्ता करके आए। मुझे पता है यहाँ तेरा कोई नहीं है, अकेला है तू। कह रे तुम लोग क्या धंधा करते हो? हाँ देखो ये धंधा बिंदा छोड़ दो, कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। कह रे कितना पढ़ा रहे तू? बीएससी फाइनल ईयर। अच्छा बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी ना? तुम लोग भी बस। मैंने आनंद को कितनी बार समझाया, अपना मामा बीएसटी में है, उससे जाके मिल, वो नौकरी लगा देगा। ये ले अंदर रख। इन लोगों का क्या, सुबह सुबह कैसे आया? रात को मैटर को पुलिस ने उड़ा दिया। क्या मैटर को पुलिस ने उड़ा दिया? साला बार में बैठा होगा। हाँ डॉन में पार्टी आई थी, वो भिकू सेठ, उसने टिप दी। हाँ मार्ट का ऐसा कहना है, उसकी भी पुलिस तलाश कर रही है। है किधर वो? दोपहर किले के पीछे मिलेगा। भाई कह रहे मार्ट लाल्या, मेरे भाई, मेरे भाई को मार मार्ट, प्लीज डाला रहे। प्लीज मार्ट प्लीज, अरे रो मत यार प्लीज। बिकू ने टीप दी थी रे उसकी, मैं तो उसके फैमिली को उड़ा दूंगा साला। लाल्या क्यों समझा रहा रे इस टकले को? देख मार्ट, साले बिकू से को उठा के लाते हैं, काम पटाते हैं और बाद में ताता के पास निकल जाते हैं। देख मत, टेंशन मत क्रिएट कर। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। टेंशन मत क्रिएट कर, वैसे भी कल तुम्हें पुलिस ढूंढ रही थी फ्यूनरल के वक्त। अब बस भी करो, तेरे रोने से वापस तो नहीं आने वाला वो। ये छोकरी कब से बैठी है? हाँ पूछ पूछ, क्या पूछना है तेरे को? कैमरा ठीक करना। हाँ हाँ लेफ्ट पे रख, लेफ्ट पे। हाँ हाँ तो श्री की माँ? मैटर भाई की माँ बोल, अपने बेटे का नाम श्री था ये भी याद नहीं इसको? मैटर भाई ही बोलती थी उसको। निकल यहाँ से, चल बाजू में बिठा है तो बक 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 करता है, चल फुट यहाँ से। अरे पर श्री ची आई। मैं कहती हूँ चल फुट यहाँ से, अब ज्यादा बोलेगा तो चप्पल निकालेगी, चल फुट। मैं तो आपके भले के लिए बोल रहा था। क्या जमाना आ गया, बड़ा भला आया मेरा करने वाला, फुक्कट खाओ मेला। हाँ बोलगा क्या पूछना है? वो मेरे बच्चे के मरने के बाद मेरा कैसा हो रहा है? फोकस कर, ये मुझे पूछने के बजाय उस पुलिस को जाके पूछ। मेरा बच्चा मरने के बाद, उसको मारने के बाद बड़े बादशाह बन के जी रहे हैं। लेकिन आपका बेटा तो गुनहगार था। क्या गुनाह किया उसने? हाँ बोलना क्या गुनाह किया? अरे वो गरीबों को मदद करता था, पैसे के लिए नहीं दिल की खुशी के लिए। सब गरीबों का मसीहा था वो, कुछ उनको कुछ। कितने मंदिर बनवाए साईं बाबा के, गांव में स्कूल बनवाया बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं। लेकिन इन मरे पुलिस वालों के लिए, उनकी आंखों में मेरा बच्चा जैसे किरकिरी हुआ था। मार डाला उसको, उनकी उनकी ठटरी बजे ठटरी, मेरे देवता जैसे बच्चे को मार डाला इन नास पिटियों ने। हाय रे हाय, उसको पूछ
भरूचा, परसों के एनकाउंटर के बारे में वो एनकाउंटर नहीं था, मैटर हार्ट अटैक से मरा है, हम उसको जिंदा पकड़ना चाहते थे। लेकिन उसकी माँ और पड़ोसियों का कहना है कि वो एक समाज सेवक था, देवता जैसा आदमी था। कौन कहता है? ये कहते हैं। ये मैटर भाई की माँ। कैमरा ऑफ कर, ऑफ कर जारी। यस सर। तू सु बोले भाई, तारो बेटो समाज सेवक है तो देवता समान है तो हा? अरे इतलो खोटो बोले तो मोना मकीरा पर जैसे माई। अरे टोपी पहरावे बद्दा ना, तेरा सामने लाके खड़ा करू वो सारा बच्चा लोग को, जिनका अक्खा फैमिली को यूनियन का झगड़ा में ओपनली बूंद डाला तेरा समाज सेवक बेटा ने। खड़ा करू उनको तेरा सामने? वो बच्चा लोग जिसको अपना बाप का लाश कंधा पर उठाना पड़ा, अपना बाप का कंधा पर खेलने का उम्र में। अरे और बच्चा लोग ही नहीं, औरत भी है बहुत सारा। अच्छा घर का जो धंधा करने लगा या दूसरा का घर में बर्तन घसता है, तेरा देवता बेटा का कारण। ये समाज सेवा किया है तेरा लाडला बेटा। तारी जात ने बैदा मारू राक्षस नो खुदा बना वे। ये सारा का सारा जनाना जो इकट्ठा हुआ ना यहाँ पे घरियाली आंसू बहाने को, ये सब ब्याज पर पैसा लेता है इससे। किससे? इससे, ये मैटर भाई का माँ जो ठहरा। क्यों रे, महीने में कितना ब्याज देता है तू इसको? हाँ बोल। इसीलिए ये फटा आंसू बहा के ब्याज लौटाने आया है। और माई जो बेटा तो गया, महीना भर और ठहर जा और देखना यही औरत लोग तेरा कैसे जीना हराम करता है। और बात सुन, नाटक छोड़ बात सुन, तेरा छोटा बेटा है ना माट, उसको थाने भेज दे मेरे पास अगर तू चाहता है उसका जिंदगी सुधर जाए, वरना उसका भी तैयारी करना शुरू कर दे। ए जल्दी लाना। सुन, डायरेक्ट फायरिंग नहीं करना, उसको उठा के लेके जाएंगे, समझा? सोनिया यहीं पे आने वाला है ना वो? अरे हाँ, उसका फेवरेट होटल है। पक्की खबर? 100% यहीं पे आएगा वो। कैसे हो बाबल? ठीक है साहब, बहुत दिनों के बाद। चुपे टकले, 8-10 दिनों से बहुत परेशान था, वो मैटर है ना उसका दिमाग खराब करके रखा था। अच्छा वो मर गया। प्लीज। अरे अमृता कहाँ हो, बाहर क्या कर रही हो? रुके रुक, आइए सर। देखिए यार, फैमिली के साथ आया है, उसका हिसाब बाद में करते हैं। हाँ चल निकलते, चल चल चल। मार्टिन, ए मार्टिन। अरे अब किधर को जा रहे तू? SSC का एग्जाम है, जरा पढ़ाई पे ध्यान देने का। तुम लोग दो तीन दिन में क्या होगा, आज की तो बात है, कल छुट्टी है, परसों संडे, अरे नेक्स्ट डे तो अपन आ ही रहे ना। ये कितने करता है रे तू, कितने करता है? बहाने मत बना, बाकी बच्चे लोगों को देख, दिन रात पढ़ाई करते हैं, SSC पास कर लेना, फिर चाहे तो फ्रिक आउट मार। जोसेफ, अपन बोला ना तेरे को लौट के पढ़ाई करेगा करके। ए मॉम, अपन 5 मिनट में बाहर जाके आता है, बाय। वेयर आर यू गोइंग? ये लड़का तो ना बस तुम्हारा और पॉप के लाड ने बर्बाद कर दिया इसको। कभी पूछता है इसको मौज मस्ती के लिए इतना पैसा किधर से आया? अभी श्रीवर्धन जा रहा है, वहां जाने के लिए इतना पैसा किधर से आया? पॉकेट मनी जमा की होगी, उस मामले में स्मार्ट है। तू क्या ढूंढ रहा है? मेरी काली वाली शॉर्ट किधर को है? कौन सी? काले घोड़े की छाप वाली? हाँ हाँ, घोड़े की छाप वाली। कहीं इस गधे ने तो नहीं रखे अपने बैग में हमेशा की तरह? रुक, मैं देखती हूँ। देखो हमेशा ऐसा ही करता है, 3 दिन के लिए जा रहा है पर सामान। जोसेफ, जोसेफ, मॉम, व्हाट हैपेंड? पिस्टल मार्टिन के बैग में। मार्टिन, क्या रे? होटल प्लस के शूटआउट में कौन कौन था? अपुन नहीं था साहब। तू नहीं था? अपुन को कुछ नहीं मालूम। अच्छा तो फिर पैसे किसने दिए? मैटर ने दिए। काम के, काम के
स्टूपिड साली की चमड़ी खींच डालो आजकल कहीं का। वहां पाप दुबई में दिन रात काम कर रहे हमारे लिए, और ये क्या कमी थी तेरे को, क्या कमी थी तेरे को जो इस रास्ते पे चल पड़ा। साहब बहुत मारो इसे, बहुत मारो, पेट में था तभी मार देती ना तो अच्छा होता। मारो मारो इसे, बहुत मारो, इसको सजा मिलनी चाहिए। साहब बहुत मारो इसे, क्या किया तूने, मारो इसे, मारो। हाँ मैं कदम बोल रहा हूँ। हाँ कदम बोल। शिंदे उस दिन के शूटआउट में से एक लड़का पकड़ा है, उसके बैग में से 50,000 रुपए कैश और एक पिस्तौल बरामद किया है। क्या तुम्हारा ही काम का है वो रमन्ना केस वाला? फिर फिर क्या इस तरफ? फिर वो बेचारी लड़की बीच में आई, उसको भी गोली मार दी। बरूचा यहाँ पे पंचनामा चल रहा है, बेकार में डिस्टर्ब मत कीजिए आप। क्यों, आपकी इज्जत का पंचनामा हो जाएगा? अच्छा आप लोग कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहे हो, ऐसा नहीं लगता आपको? ये काम यानी कि कैमरा उठा लिया, कुछ रिकॉर्ड कर लिया, एपिसोड बना दिया, इतना आसान लगता है आपको? सो प्लीज बाहर निकलिए आप लोग। अच्छा आपके लिए मुश्किल है तो आप दूसरों को केस हैंडल करने दीजिए ना। यू जस्ट शट अप एंड गेट आउट। क्यों क्यों? किरण रहने देना, चल बाहर चल। शट अप, मैं देखती हूँ मुझे यहाँ से कौन निकालता है। तू 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 कैमरा ऑन कर, हम कोई गुनाह कर रहे हैं आकर? तो पिटवाएगी। आपको पकड़ना है तो उन गुनेगारों को पकड़िए, हम प्रेस वालों पर रौब क्यों झाड़ रहे हैं आप? एक मासूम सी लड़की को कोई गोली मारकर भाग गया, यही खौफ है आपका गुनेगारों पर? देखिए आप क्या क्या कर रहे हैं, करने दो इनको जो करना है। और? इन लोग को लगता है इनके लिए मुजरिम पकड़ा जाता है। मैडम आपको जो करना है करो, बट हमसे कोई सवाल नहीं पूछने का, प्लीज डोंट आर्ग्यू विद अस। बस अब खुश? इसमें खुश होने वाली क्या बात है, आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। हेलो, हमसे उलझने का बजाय आप हमारा कोशिश में हमारा मदद क्यों नहीं करता? सर शिंदे का फोन। हाँ शिंदे बोलो। सर रमन्ना केस वाला एक आरोपी मिल गया है सर। वेरी गुड। मुझे एड्रेस नहीं मालूम साहब, लेकिन गेम करने के बाद हम लोग वहां जाने वाले थे। किसके पास जाने वाले थे, क्या नाम बताया तूने उसका? उसे तात्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम ही जाने वाला था। कैसे जाने वाले थे? सुमो से। किसके सुमो से? मुझे नहीं मालूम साहब, नाना ने तय की थी। नाना? हाँ डेंजर नाना, वो नाना पाटेकर जैसे दिखता है ना, इसीलिए उसको नाना बोलते हैं। अरे आनंद सकपाल, आनंद सकपाल ही है ना उसका असली नाम, और वो चिकना लालिया उसका असली नाम क्या है? मुझे नहीं पता। पहला कभी गया था श्रीवर्ण? नहीं। करा जरा श्रीवर्ण फोन तो। यस सर। इतना सारा पैसा का क्या करने वाला था? पिकनिक। श्रीवर्धन दो दिन रुक के हम लोग तिरुपति जाने वाले थे। हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा पुण्य का काम किया है तुम लोगों ने, उसके बाद भगवान का दर्शन तो करना ही चाहिए। और तेरा एसएससी का साल? हेलो। अरे क्या करेंगे ये एसएससी करके, क्या फायदा पढ़ाई का, क्या करेंगे ये पढ़ाई करके, इतना उम्र में इतना पैसा बना लिया, पढ़ लिखकर इतना डॉलर थोड़ी बना सकेगा। माँ बाप दिन रात मेहनत करता है कि मार्टिन बड़ा होके बहुत नाम कमाएगा, मार्टिन बड़ा होके जज बनेगा, डॉक्टर बनेगा, भाई बनने चला है। हेलो यार एक मिनट, सर फोन, ड्यूटी पर मेरा बैचमेट यादव है सर। हेलो नमस्कार सर। यादव? हाँ नमस्कार नमस्कार। सुनो श्रीवर्धन में टाटिया कौन है? टाटिया नामचीन है सर, समाज सेवक है। क्यों क्या हुआ? वो चार लड़का मर्डर करके भागा है टाटिया के पास छुपने के लिए, ऐसा खबर मिला है, सुबह तक पहुंचेगा। सर आप डायरेक्ट आ जाइए, मैं इंफॉर्मेशन लेके रखता हूं, सुबह सुबह ही रेड कर देंगे सर, क्योंकि हमें वहां डॉलर से जाना पड़ेगा। ठीक है हम लोग तुरंत निकलता है, सुबह तक पहुंचेगा, जरा लोग नहीं होगा तब तक तुम तैयारी करके रखो। इसे ले चले सर? नहीं नहीं, इससे दुश्मनी निकालेगा वो लोग, दे आर वेरी डेंजरस। ए नानिया मार्टिन का कुछ लफड़ा नहीं ना होगा? चुप साले मनु, शुभ शुभ बोल। ये क्या बोला? ए बहुत हो गया तेरा नाटक, ये तो चुप बेटा पहले बोल देता है, ए हाथ धोया मगर हाथ मत लगा। नानिया, इन तो लगा ना पहले। हाँ यार, ए नानिया नानिया
चलाने आ रहा हूँ। झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा झूम 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 एक घूंट पी के धरती पे क्या तू सारे आसमान में घूम वो वो झूम 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 बाबा झूम 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 आ झूम 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 बाबा झूम 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 एक घूंट पी के धरती पे क्या तू सारे आसमान में घूम वो वो झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा झूम 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 एक घूंट पी के धरती पे क्या तू सारे आसमान में घूम झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा झूम 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 एक घूंट क्या गया पेट में बक दिया उसके जोश में एक घूंट क्या गया पेट में बक दिया उसके जोश में इसको उड़ाया उसको टपकाया इसको उड़ाया उसको टपकाया उसका भी गेम बजाया उसके घर में झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा झूम 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 एक घूंट पी के धरती पे क्या तू सारे आसमान में घूम झूम झूम बाबा झूम 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 बाबा झूम 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 जिंदगी का देख लो बन गया कैसे तमाशा वो वो अच्छी जिंदगी का देख लो बन गया कैसे तमाशा नहीं उतरेगी ये कभी ऐसा हो गया हमको नशा अपना भेजा साला कुत्ते की तुम झूम बाबा झूम 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 बाबा झूम 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 एक घूंट पी के धरती पे क्या तू सारे आसमान में घूम वो झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा झूम 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 एक घूंट पी के धरती पे क्या तू सारे आसमान में घूम झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा झूम 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 तात्या ए तात्या तात्या अरे रे तात्या अरे आओ मेरे बच्चा लोग आओ आओ कहां थे सुबह आने वाले थे आओ आओ सुबह से वेट कर रहा हूँ यार माँ से पूछना देर क्यों हो गई चुपे माँ सर पकड़ कर खड़ा है सोच रहा है चुपे भगवान ये सोचने लगा तो हो गया बंटाघाट लेकिन माँ तेरे भाई के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा लेकिन भाईगिरी करने से पहले सेफ्टी देखने का ना कितनी बार समझाया लेकिन हराम का पैसा है ना ऐश करो ए झामू ए क्या पैसा पैसा क्या चिल्लाता है तेरा बाप भेजता था क्या पैसा ऊपर से तेरी माँ का तू ज्यादा बात मत कर तेरी वजह से सब हुआ है हंगामा तेरा बाप भेजता था ऊपर से पैसा अरे हम ही लोग काम करते थे तेरे भाई के लिए तो एहसान कौन सा करते थे रे हाँ अरे काम के बदले में पैसा देता था वो अरे पालता था तुम लोगों को क्या पालेगा हमें हमने भाई बनाया है उसको
हमारे दम पे फुफकारता था वो, हमने गोलियां चलाई है उसके लिए, साले नाच रहे थे गा रहे थे, एक छोटी बच्ची को मार डाला तूने, नामत साला तेरी माँ के। अरे तो भेजा उड़ा दूंगा साले का, नामत साला। क्या रे टकले बंकस कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ मालूम है बंकस कर रहा है, जब देखो मेरा ही बंकस करता है, अभी बात देखा ना कैसे कर रहा था गुस्से में, समझाओ उसको, साले को डाल दूं क्या रे? अरे चलना यार, जाने देना चल। क्या हुआ रे बेटा है? इतना गुस्सा? तात्या क्या जिंदगी हो गई है मेरी, गोली पुलिस भागदौड़ खून करावा, क्यों किस लिए, किसके लिए मैं अनजान लोगों की जान लेता हूं? तात्या मैं थक गया हूं रे, मेरी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी मैं उनकी क्यों जान, क्यों? किस्मत मुकद्दर, तू जो कर रहा है ना वो गलत है, अगर इतना भी सोच लिया ना काफी है। मेरी तरफ देख, इज्जत ईमानदारी और मेहनत से मछलियां मारकर चैन की रोटी खाता था मैं। एक दिन इस समुंदर में स्मगलरों का जहाज क्या फंस गया, मेरी तो पूरी जिंदगी फंस गई। सीधा साधा तात्या दो नंबर का तात्या बन गया। मेरी तो कोई मजबूरी नहीं थी तात्या, मैंने अपनी कब्र खुद को दी तात्या, अच्छे घर में जन्म हुआ, सुखी सिक्योर लाइफ थी मेरी, कॉलेज के छोटे मोटे झगड़ों ने दादागिरी का चस्का लगा दिया। एक दिन माँ ने गुस्से से कहा घर से निकल जा, मैंने घर क्या शहरी छोड़ दिया, सोचा था माँ को कुछ बन के दिखाऊंगा, इतना नाम कमाऊंगा कि घर वाले फक्र करेंगे मुझ पर, यही चाह मुझे मुंबई तक खींच लाई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, शूटर बन गया मैं, भाई के इशारे पे लोगों की जान लेने वाला शूटर। तात्या मैं इस दलदल में इतना फंस चुका हूं कि मैं चाहूं तो भी नहीं निकल सकता तात्या। बेटा एक बात पूछूं, बुरा मत मानना, तेरे माँ बाप कहाँ हैं, क्या करते? मत पूछ तात्या, कितनी बार कहा है कि तेरे सवाल का जवाब मेरे लायकत नहीं है उनका नाम लेने की, मैं अम्मा बाबा छोटी बहन, उसने मासूम बच्ची को मार डाला तात्या, तात्या मैं यहां नहीं रहना चाहता, वापस जाना चाहता हूं, सबको बता दे खराब है जिंदगी, खराब है डरावना है सब, एक बार आदमी फिसल गया जिंदगी भर नहीं संभल सकता तात्या, अपने बाद अपने माँ बाप भाई बहन का क्या हशर होता है उनको नहीं मालूम, ऊपर से सब अच्छा सुखी लगता है, भ्रम है बस तात्या। देख तात्या मेरी जिंदगी का सूरज डूब रहा है। नहीं रे बेटे, ये तो शाम हो रही है, तू घर चल, कल सुबह होते ही मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, कल के दिन में तेरी जिंदगी में एक नया उजाला आएगा, नए सूरज के साथ, अब घर चल, शायद आज रात धंधे के लिए
जरा बाहर जाना होगा। इंसान का जन्म पहले हुआ या प्रश्न का पहले? इंसान का जन्म पहले हुआ या प्रश्न का पहले? कोई बता दे हमको, साथ साथ चलते क्यों है? नाना, नाना जल्दी आओ। ये तू क्या कर रहा है? तू पागल हो गया है? क्या बात, क्या है? क्या बात, क्या हुई है? गलती हो गई यार, गलती हो गई। फुकट में मारा सबको, फुकट मारते हो, सोचा नहीं, अब पछता रहा है साला। ए तू चुप बैठ गए, चल चल अब बस कर, अब क्या फायदा बोल, कल सुबह उठ के बात करते हैं। ए लालिया सॉरी यार, ताते कब आ रहे हैं? दो दिन के बाद। ताते आने के बाद हम तिरुपति चले जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ। हाँ सब कुछ छोड़ देंगे, पुलिस में रिकॉर्ड भी नहीं है, सब सब छोड़ देंगे सब। नाना हाँ, वो सोमो वाले को पैसा दे दे। हाँ यार जाने दे उसको। सोनिया इसको अंदर लेके जा। ए पैसा ले निकल, किसको बोलना नहीं तो डाल दूंगा। Come on, अभी, come on, hurry up. हाँ, सुनो सब लोग, अभी हम लोग दो आदमियों का टीम बना के सेपरेट हो जाएगा। अभी तुम और खराब बंगला का पीछे से जाओ, मैं और यादव बंगला का सामने से जा रहा है। ओके कम ऑन लेट्स गो। और सुनो याद रहे नो फायरिंग, हाँ सिर्फ अरेस्ट करना है उन लोगों को। कम ऑन तक सोए करेगा, हम कहीं छिप जाएंगे, पुलिस जाने का वापस आएंगे। साले लेक्चर मत झाड़, सर एनकाउंटर कर देंगे वो लोग। चल 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 ठीक बोला, सुन दिया सुनो, फायर मत करना। चल चल आ जा।
पता ना, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं गोली मार दूँगा। Hey, stop it! अम्मा, अम्मा। सर वो सरेंडर करना चाहता था। Yes sir, he wanted to surrender. आइसो गो? हाँ? पुलिस ने तो उनको लुढ़का ही डाला। श्री वर्धन में 3 शार्प शूटर्स को मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर में खत्म किया। आई लॉ? अरे सही वक्त पे उसे गोली नहीं ना मारता मैं, तो आज नाना के माँ बाप के जगह पे तेरे माँ बाप तेरी लाश लेने यहाँ आए होते। और नहीं तो क्या, साला वो मार्ट भी मेरे हाथों से भाग निकल सकता था। साहब ने फायर करने से रोक लिया, इसके लिए भाग निकला, वरना ठोक देता साले को जगह पे। साला अपना रिवॉल्वर तो वक्त पे निकाल नहीं सकता है तू, और बात करता है। और कह रहे कहीं वो तुझे मार डालता था तो क्या करता था मैं? अभी तुम लोग क्या समझते हो, क्या मैं रिवॉल्वर नहीं निकाल सकता था, गोली नहीं चला सकता था? लेकिन मारने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं? देख ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ तुझे अच्छा नहीं लगता, वहां पे भरूचा सबको अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन बच्चों को गोलियां मार के बहुत खुश हूं मैं। यार तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, इस अविनाश मराठे के सीने में भी दिल है, लेकिन फर्ज और जुर्म के इस कुरुक्षेत्र में सही वक्त पे हथियार उठाना चाहिए, दैट्स ऑल। देखिए डायलॉग मारने लगे, वो भी फिलोसॉफी के साथ। वही तो है, फिलोसॉफी सिर्फ झाड़ने या पढ़ने के लिए नहीं है, कभी कभी उस पर अमल भी करना चाहिए। अभी खैर तू ये सब नहीं समझेगा, जल्दी से ठीक हो जा भाई, यहाँ के सारे काम सलटा के मुंबई भी जाना है। भरूचा साहब इंतजार कर रहे होंगे हमारा, मार्ग में है वो, चलते हैं हम लोग। टेक केयर बड़ी, चलो शिंदे निकल। क्या हुआ यार, क्या किया तूने? रखो रखो भाई, ठीक तरह से अंदर रखो, इसीलिए उसको पैदा किया था सब लोगों की गोलियां खाने के लिए। बहुत मेहरबानी की साहब आपने, बहुत मेहरबानी की। ए मासूम लोगों पे गोलियां चला रहा था वो, इसीलिए आप लोगों ने उसको गोली मारी, पकड़ नहीं सकते थे। आप कोशिश क्यों नहीं करते बच्चों को इस तरह बेरहमी से मारने के बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करो? बस हाथ में पिस्तौल मिली, मार दी गोली, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, भाई होंगे घर पर, और तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मार दिया। आप जब बच्चे भटक कर गलत रास्ता अपना लेते हैं तभी सोते हो तुम लोग। अच्छा है तुम लोग बिगड़ते रहो और हम लोग सुधरते रहे, इतना ही काम है हमारे पास, इसी की तो तनख्वाह मिलती है हमें। अभी कम ऑन, बिला वजह बेकसूरी का सजा भुगतता है बेचारो। ओ साहब, इंस्पेक्टर भरूचा साहब कहा? हमें ये? मैं फ्रीडम फाइटर देशपांडे। संभालो, क्या बात है? मैं 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल था, गांधी जी के नमक आंदोलन में भी मेरा हिस्सा था। ये देखिए मेरा ताम्र पत्र इंदिरा गांधी ने मुझे दिया था, आप देखिए ना। हाँ पर डिस्पेंसर, बात क्या है? ये देखिए ये तस्वीर देखिए, गांधी जी के साथ मेरी तस्वीर। हाँ, हाँ, और आजादी के जंग में मुझे गोली भी लगी थी यहाँ। हाँ, वो सब मैं समझ गया देशपांडे साहब, लेकिन आप मेरे पास क्यों आए? साहब जरा पानी मिलेगा? हाँ, सर, जरूर। सर मैं लाता हूँ।
साहब, साहब कल आपने जो इनकाउंटर किया था उसमें मेरा पोता था सोनल देशपांडे। आज तक मुझे पता नहीं था कि मेरा पोता इस लाइन में है। क्या उम्मीद थी उसके बारे में? मेरा अरुण जाने के बाद उसकी माँ दूसरे के घर के बर्तन बांधती है, मेरी पेंशन से घर चलाती है। कोशिशें थी पढ़ा लिखा कर कुछ बड़ा हो जाए, लेकिन लेकिन साहब क्या सचमुच मेरा पोता इस लाइन में था? आपको यकीन है साहब? हाँ, मेरा पास सबूत है इस बात का। क्या हो गया साहब? मैं उसकी लाश लेने आया हूं। अच्छा, ये रखो यार, लाश के पास ले जाओ। अभी कितना पाप धोना पड़ेगा हमें? इसी का लीडे इनको गिरफ्तार करना बहुत जरूरी था। ये संस्कारित परिवार का बच्चा हो, क्या हो गया इन जवान लोग को? जिंदगी में पहली बार किसी पर गोली चलाया, किसी का जान लिया, जिंदगी भर के लिए जख्म बनकर रह गया। लालिया का लाश को भी क्लेम करने कोई नहीं आया ना? पता नहीं आज ही जाड़िया को जाना था। अरे वहाँ नहीं, यहाँ आके कवर करो। अरे मुझको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अंदर, चलो अंदर। दत्ता, ए दत्ता, ये सब क्या हो रहा है दत्ता? अजूबा, अपने सोने को लेके जाना है ना? हाँ हाँ, सोनल देशपांडे अमर रहे, ऐसा ही लिखा है ना? सोनल देशपांडे अमर रहे। अमर रहे का मतलब जानते हो तुम लोग? राजगुरु भगत सिंह, लाल लाजपत राय, बाबू गेनू, अमर तो वो लोग है देश के लिए सीने पर गोली खाकर हंसकर जान दे दी, और ये स्वतंत्रता सेनानी देशपांडे का पोता। कुत्ते की मौत पर आग, कुत्ते की मौत पर काली पोती, काली पोती। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, मैं मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं रहा। स्वतंत्रता के लिए पानी के तरह बहाया, खून को बदनाम कर दिया, आजादी के लिए जान दे दी। कोई कीमत है उसकी? है कोई कीमत? ए भगवान, ए गोली पांव के बजाय सीने पर खोने लगी। ये दिन देखने के लिए क्यों जिंदा रहा मैं? अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहू देख तेरे बेटे ने क्या कर दिया, देख देख तेरे बेटे ने क्या कर दिया। कि जन्म के बाप की सजा मुझे मिली है, तो आज का दिन देखने को मिला। देख देख तेरे बेटे ने क्या कर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भरूचा साहब, बैठिए भाई। सबसे पहले तो बधाइयां, जो बहुत लोग मुंबई में रहकर नहीं कर पाए आपने श्रीवर्धन में जाकर कर दिखाया। रातों रात हीरो बन गए आप तो। वैसे कमिश्नर साहब ने भी बधाइयां भेजी हैं। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं, वो कमिश्नर साहब को ताज्जुब हुआ कि अपराधियों को पकड़कर सुधारने का दावा करने वाले भरूचा साहब एनकाउंटर कब से करने लगे? ऐसा बात नहीं है सर, मैं वाकई में उसको अरेस्ट करने का इरादे से गया था, लेकिन अचानक अचानक उन लोगों ने तुम पर फायर किया और अपनी रक्षा के लिए तुम लोगों ने जवाबी हमला किया जिसमें वो सब मारे गए। सेम ओल्ड रीजन।
सर एनकाउंटर करने वाला हर अफसर अखबार वालों को यही बयान देता है। सर आप अब तो एनकाउंटर कैसे होते हैं ये तो सभी जानने लगे। झूठा एनकाउंटर करने वाले ऑफिसर्स में हमें शामिल करके आप मेरे और मेरे टीम को गाली दे रहे हो सर। मैं उन ऑफिसर्स में से नहीं हूं। हम पारसी लोग के लिए ईमान और जमीर जान से भी बढ़ के होता है सर। मैं आपको सच बोलता हूं, हम उनको अरेस्ट करने का इरादे से गया था, बदकिस्मती से ये सब हुआ। एक्चुअली इट वॉज बैड ऑफ मी, ये नहीं होना चाहिए था। कम ऑन बारूचा, मैं तो मजाक कर रहा था, इतना सीरियसली क्यों लेते हो? एनीवे, वो एक लड़के की लाश को तुमने संभाल कर रखने का ऑर्डर दिया क्या? हाँ सर, लालिया नाम है उसका। उसकी लाश को लेने के लिए अभी तक कोई रिश्तेदार आया नहीं। मैंने उनको कहा है कि जब तक कोई नहीं आता उसका लाश को संभाल के रखे। वो एसपी काले ने फोन किया था कि तुम उस लड़के के रिश्तेदारों को ढूंढना चाहते हो? कोशिश करूंगा सर, बोला था मैंने। जो कुछ करना है जल्दी करो, टेंशन मत पालो सर। और सुनो, गुंडों के माँ बाप को ढूंढने के अलावा और भी जरूरी काम है हमें। सर उसका माँ बाप को ढूंढना मेरा काम नहीं, मेरा फर्ज है। और ये अविनाश मराठे गाड़ी का याहू नजारा करते हुए सीधा चलते चिटिंग चिटिंग चिटिंग। आयशीचा घो याचा। अरे सद्या सद्या तू आउट कर मेरे को, लेकिन अपील मत। नहीं, दुखता है ना, दुखता है ना, इसलिए हम ये फोटो। सर आपने क्या क्रिकेट खेलने को? नहीं सर, बहुत सारा काम है। सचिन तेंदुलकर को भी मैंने ही सिखाया रे, अपना भी ऐसा रेख। सिलेक्शन है क्या फाइनल? कैसा सिलेक्शन सर? हाँ परसों आप लोगों का टीम चाहता है ना ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलने को। ऐसा करो डीसीपी साहब को भी कहना कि सारा पेपर वर्क रह गया, क्योंकि हम लोग क्रिकेट प्रैक्टिस करता रहा। सबका सब ट्रांसफर हो जाएगा घर चिरौली। एक्सक्यूज मी सर। मैडम कब तक और कहां तक मेरा पीछा करेगा? मुझे तो बस सर। ये फोटो प्रेस में देना सर। मुझे खराब मार्टिन का चार्ज शीट तैयार करो, खरा खरा दिखता क्या है। सर मुझे आपका एक इंटरव्यू लेना है, प्लीज सर। हो ले इंटरव्यू लेना है, बहुत भारी का काम किया ना हम लोग जो हमारा इंटरव्यू लेना चाहता है आप। लेकिन सर सरहद पर जाके बहुत वीरता दिखाया है हमने, दुश्मन को खदेड़ डाला है, अपना बच्चा लोग का जान लिया है हम तो। ऐसा कौन सा काम किया है जो अब हमारा इंटरव्यू लेना पड़ेगा? मेक न्यूज आउट ऑफ एवरीथिंग। लेकिन सर आप ही ने तो कहा था कि प्रेस को पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और मैं यहाँ आई हूँ आपके विचारों को पब्लिक तक पहुँचाने के लिए, और आप तो बस मुझे भड़के जा रहे हैं। मतलब कि अरे मेरा कौन सा विचार इतना इम्पोर्टेंट है जो तू पब्लिक तक पहुँचाना चाहता है? सर मार्टिन की जवानी फिर से लेनी है ना? ये भी फिर से बताना पड़ेगा मेरे को? नहीं सर। कितना साल हो गया तेरे को डिपार्टमेंट में काम करते? अरे वाह भेड़ कैसी। ओ इंटरेस्टिंग नमूना आ गया। इंटरव्यू हो रहा है। सॉलिड दिख रहा है। बहुत अच्छा, मुझे लगता है कुछ ही दिनों में आप अपने ही सत्कार समारंभ आयोजित करेंगे। क्यों? तुम्हें कौन? मैं समाज सेवक। क्या नाम कर? समाज रक्षण संगठन का सेक्रेटरी हूँ। दो दिन पहले आपने श्रीवर्धन में 3 बच्चों का इनकाउंटर के नाम पर कत्ल किया, उस सिलसिले में मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ए मिस्टर जो, तुमको सफाई देने का मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिन छोटा छोटा बच्चा लोग का तुम बात करता है ना, वो चारों हार्डकोर साफ शूटर था। किरण हार्डकोर साफ शूटर, समझा? इस बात का सबूत है मेरे पास, पिछला 10 दिन में 4 खून किया है वो लोग। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन बात ये है भरूचा साहब कि केस कोर्ट में दाखिल होने तक सभी सबूत सही होते हैं, लेकिन जब लॉयर फेक इनकाउंटर में क्रॉस करने लगते हैं ना, तब तो आपके बहुत बोलता है तू, फेक इनकाउंटर की फाड़ता है। तू कैमरा लेके पुलिस वालों के साथ चलता है क्या? अभी शट योर माउथ सर। कभी भी कहीं भी किसी से कुछ भी बोल देता तुम? अरे आदमी देखकर बात करने का, इसका कुछ तमीज तमीज है कि नहीं तेरे को? जानता नहीं ये लोग कौन है? ये समाज सेवक है, दिस इज सोशल वर्क। क्या नाम है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का? समाज रक्षण संगठन। समाज रक्षक संगठन, वाह कितलो महान नाम छे। समाज का रक्षा करता है ये लोग, कितना नेक काम करता है। अरे समाज इस तो ये बच्चा लोग को चोरी बेईमानी सिखाता है, और फिर समाज ही बाद में इनको खूनी बोलता है। ओ अफसर ये भाषण हमें मत सिखाओ, ऐसा भाषण ठोकना हमें बहुत आता है। हाँ ये तो प्रॉब्लम छे, आप लोग भाषण देता रहता है, कुछ तो भी प्रैक्टिकल करके दिखाओ ने। जिस समाज का वाद तुम करता है उस समाज के लिए कभी कुछ तो करो।
अरे तुमको क्या लगता है कि एनकाउंटर में सिर्फ पुलिस वाला गोली चलाता है, है? कभी उन लोग का घर में जाके देखो जिनका बच्चा लोग को निशाना बनाया ये गुंडा ने सुपारी लेकर, पूछो उनसे उनके दिल से क्या लगता है। आ गया पुलिस का तांग खींचने गेल कोरिया। अरे जाकर कभी वो गुंडा लोग का घर में जाओ ना, उनका माँ बाप को बोलो कि तुम्हारा लड़का को संभालो, बिगड़ रहा है, गलत रास्ते पर जाता है, सुधारो उसको। ऐसा करता है कभी तुम? नहीं, तुम्हारा समाज सेवा सिर्फ पुलिस का आलोचना करने तक है। अरे तुमको क्या लगता है किसी क्रिमिनल को गोली मारकर खुशी होता है पुलिस वाले को? सर हम लोग इसे कुछ ज्यादा ही इज्जत दे रहे हैं। इज्जत के मोर्चा लेकर आऊंगा ना तो तुम्हारी इज्जत इस ऑफिस के मेन गेट पर टंगाऊंगा। अरे तब की तब देखेंगे रे साले, मैं तुझे अभी लटका दूंगा। चलो चलो बाहर निकालो इसको। अरे कर लेना जो करना है तेरे को, देख लूंगा। हाँ हाँ, ज्यादा धमकी नहीं देना, पुलिस फोर्स डर जाएगा पूरा। हाँ मैडम, तुमको क्या पूछना है, पूछो। नहीं नहीं कुछ नहीं सर, हम निकलते हैं, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। ठीक है। यस सर, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। चलना। बाय। जिमी दरवाजा खोलने। कमिंग। हाय जिमी। हाय मॉम। हाय सैम। हाय। अरे अंधेरा में सू बैठा आज जिमी, प्लीज स्विच ऑन द लाइट। सैम तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत सर छे। अच्छा सैम एक बात, क्यों तुमको पुलिस में भर्ती नहीं जोना चाहिए था? सोचा कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी डिसिप्लिन, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट वाला कुछ नहीं समझता। चुप थे जा, चुप थे जा। तुम सिविल प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं कर सकते। शिरीन चुप थे जा प्लीज। यू नो तने तो मिलिट्री में भर्ती था हुआ तू। क्या है सैम मानेकशॉ के बाद तारू नाम आते, सर सैम भरूचा। हसी जायो। हेलो, यस स्पीकिंग। What? On TV? Sam, तू TV पर छे? Sam ते मने कहू नहीं, ते TV पर इंटरव्यू आपेलो छे। Oh my God, let's see. पुलिस का तांग खींचने। जिमी, जिमी देखो, तो डैडी TV पर छे जिमी। अरे जाकर कभी वो गुंडा लोग का घर में जाओ ना, उनका माँ बाप को बोलो कि तुम्हारा लड़का को संभालो, बिगड़ रहा है। चैनल जिमी जॉनी, ओ गॉड। ऐसा करता है कभी तुम? उसमें नया बात क्या है, जो घर में लेक्चर देता वही तो है। पुलिस का आलोचना करने का। जिमी जिमी लिसन। मम्मी रात को देर हो जाएगी आने के लिए, बाय। देखो ये बिहेवियर देखो, व्हाट इज दिस बिहेवियर? ओ नेवर माइंड, इन्हें जाने नहीं, लेट्स वॉच द इंटरव्यू है, वो चांस पाछो नहीं मिल से। ओ माय गॉड सैम, तुम कितना हैंडसम लगता है। क्या गया ये, वेयर इज ही गॉन? ओ नेवर माइंड सैम, वो घूमने को गया होएगा एट दिस टाइम। सैम देखो तो, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, ओ माय गॉड। हेलो। अरे सैम, वो टीवी जाऊं जा रही थी, मस्त लगे चल रही है। थैंक यू। हां हम देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें देखता हूं, देखता हूं। रियली सैम, काले पूरी पारसी कॉलोनी में फोन करने बोल से कि यू आर लुकिंग टू गुड। ये तस्वीर है लाली, देखो देखो सैम, जिसकी उम्र 22 वर्ष। इंस्पेक्टर भरूचा। हां बोलता हूं, तुम्हें कौन? नाम जरूरी नहीं है, आपका ही मुझसे जरूरी काम है। मेरा क्या काम है? आपने वो फोटो दिया था ना अखबार में। हाँ हाँ, उसका क्या? हेलो हेलो। एक गोल्फ लेक पैकेट देना। ए, जिमी भाई का एक पैकेट दे। जिमी भाई कौन से? जिमी भाई इस कॉलेज का बहुत बड़ा भाई है। जिमी क्या नाम मालूम है? वो सामने समझा दो उसको, नहीं तो उस रघु को बोल के कॉलेज में पढ़ने को आया कि भाई उसके हाथ पैर तोड़ डालूंगा मैं, मुझे आना पोस्ट आना है। अभी मुंह चलाओ क्या? हराम खोर, मेरा मेहनत का खाए सिगरेट। कोई कुछ नहीं बोलेगा।
कोई कुछ मेरा बाप है। बाप बाप ये जबान बोलना सिखाए, ये कारस्तान है तेरा, भाई बनेगा। घुट्टू भी बोले सिगरेट चला कर देना बस, फिर कभी इन फालतू लोगों का सामने दिखाई दिया तेरी चमड़ी उधेरी कर। I'm sorry, Daddy. कुछ जरूरी नहीं है साला इलेक्शन गुंडागर्दी करने को। अंदर चल घर में। Daddy, आज कॉलेज। अंदर चल घर में। आज के बाद कॉलेज वापस नहीं। अंदर चल। जरूरी है। मैं तेरा इलेक्शन नहीं लेता हूँ। हाँ मालूम है मुझे बहुत सोशल वर्क करता है। तू सिगरेट फूंकता है कराओगे उधर। आवी आवी बाबा। सैम, जिमी, तू कॉलेज से वापस आ गया? बता मामा को क्यों वापस आया? अंदर चल, अंदर चल, मामा को बता। Don't tell mommy, please. कॉलेज नहीं जाएगा। कॉलेज नहीं जाएगा ये। क्या हुआ? मालूम है क्या करता है कॉलेज में ये? भाई बनता है कॉलेज में, बहुत बड़ा भाई बन गया है। अरे कल को किसी पुलिस वाले ने गोली मार दिया ना तेरे को, तो उसका जिम्मेवार मैं होगा, ये होगा। वो पुलिस वाला नहीं, समझा दे इसको। घेर मार नगु नो जन्मियो। तू भाई बनना चाहता है? अरे तने यहाँ सो कमी छे। अरे तेरे डैडी जैसे रिस्पेक्टेबल ऑफिसर का बेटा होकर तू भाई बनना चाहता है? नफ़त नगारो मॉम। तने शर्म नहीं आवी? अरे तू हमारा अकेला दिख रहा है। Absolutely useless, bloody... लोग क्या कहेंगे, हम पर थूकेंगे। I'm sorry, mom. I won't do it again. तारा बाबा तने कदी माफ नहीं कर से। सैम, सैम। फिर मालूम नहीं क्या? Idiot. सैम, आई बदु साच्चू तो नथी ने। You take care, Sirin. आ तो शुरुआत छे। नहीं नहीं जिमी, हजी सुधी गुंडा बना तो नहीं ने। Just tell him to behave properly. जो सैम, जिमी पे हम दोनों के संस्कार हैं। माय बाप बच्चों को जो संस्कार देते हैं, एवी जीते उसकी तरफ देखते हैं। लेकिन जिमी की पोतानी भी तो जिंदगी छे ने सैम, उसकी कॉलेज, उसके फ्रेंड्स, एनी बॉर्नी जिंदगी। हमें उसे समझाना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। जो भी है तू ही उसको समझा। हाँ ये क्या चिंदे, सारे के सारे पेपर इधर ही है, सब अप टू डेट लगा के रख। भरूचा सब खुद चेक करने वाले, उनका आने का वक्त भी हो गया। सलाम सर। क्या रे, हाँ लालिया को जानता था क्या तू? नहीं साहब, हम में से कोई नहीं जानता साहब। अरे आए घालिया, साला रोता क्यों है? मारा मैंने तेरे को, मारा? ए, तुझे देखते ही सब रोने लगते हैं। तुझे आईला पिघलता है साला। क्यों बुलाया ये लोग को? सर वो लाले के केस में। कोई जरूरत नहीं, भेज इनको इधर से। चल भाग भाग भाग। सर श्रीवर्धन से फोन था, उसको बोल लाश को डिस्पोज कर देने का फौरन। सर मैं दुनिया भर का ठेका नहीं लिया हूँ, बोल उसको लाश को डिस्पोज कर दे। पिछला 5 दिन से साला इंसानियत का नाते काम करता हूँ, अखा दुनिया का टॉन्टिंग सुनना पड़ता है मेरे को। उसका घर वाला को फिक्र नहीं है तो मेरा क्या दिमाग खराब हुआ है? डिस्पोज करो, डिस्पोज करो। और वो क्या नाम है उसका, टाटिया, उसको बोलो लाश को ले जाए और जो करना है वो करे। हमारा घर में भाई पैदा हो रहा है तो मैं एक लाश का पीछे भाग रहा हूं। नथिंग डूइंग, डिस्पोज करो। श्रीवर्धन फोन लगाओ ने। हेलो इंस्पेक्टर भरूचा। हाँ बोलता हूँ, तुम्हें कौन? अरे मैं कौन हूँ इसकी चिंता छोड़िए, आपने ये पेपर में फोटो छापा है ना? किसका? अरे उस रात को मैंने फोन किया था, भूल गए? हाँ 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 बोलो बोलो। मैं उस लड़के को पहचानता हूँ। एक मिनट यादव, आप एक मिनट होल्ड करेगा प्लीज। यार बॉडी को डिस्पोज मत करना, उसको पहचानने वाला कोई मिल गया है। हाँ होल्ड कर यादव। हेलो हेलो हेलो, सुन यादव। हाँ सर। तू अपना तरफ से कोशिश करके उसका बॉडी को जब तक रख सकता है उसको रखना प्लीज। ओके सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसका जानने वाले का फोन आया था, अचानक कट गया, मेरे को लगता है फिर से फोन आएगा। ओके सर। हाँ थैंक यू। अरे अभी अभी तो। हेलो। हाँ बोल। क्या क्या बात करता है तू? कहाँ? हाँ कब? अभी? अच्छा ठीक से। सर कुछ बताया उसने? उसका नहीं, पंड्या का फोन था। वो बताया कि मात का चोकरा लोग उस किरण जयवंत रिपोर्टर को उठा कर ले जाने। किरण को? अभी उसका घर का नंबर लगा। यस सर। साला गैंगस्टर समझे पता नहीं जात ने माइन। हेलो हेलो, किरण जयवंत का घर क्या? हाँ जी। मैं सब इंस्पेक्टर अविनाश मराठे बोल रहा हूँ।
बोलिए। किरण है घर पे? जी नहीं, वो घर पर नहीं है, वो शारदा संगीत विद्यालय गई है। कहाँ पे? शारदा संगीत विद्यालय। शारदा संगीत विद्यालय, ओह, चेंबूर। कुछ मैसेज है? नहीं नहीं, ऐसे ही फोन किया था। चलो चलो अत्तगरी, चल चिंदे गाड़ी निकल फट से जल्दी। इतना हिम्मत हो गया इन लोग का, लड़की को उठाने का कोशिश करता है। चल चल लौकर। कम ऑन, कौन कह रही? अच्छा कर रहे तुम। थैंक यू सर। Excellent. Well done. अरे किरण तुम तो बहुत अच्छा गाता है। You should be a professional, huh? सर, वो पोपट लोग को अंदर कर दिया। सबस। तोता? ये जरा
अपना पुलिस का स्टाइल. सॉरी सर. ओके बाय, मैं चलता हूँ. प्लीज रुकिए ना सर, कुछ चाय वगैरह. नहीं मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है. वो दैट लालिया बॉय, यू रिमेम्बर, उसका अभी तक कोई रिश्तेदार नहीं मिला. उसका बॉडी को श्रीवर्धन से मुंबई लाना है. उसी का कनेक्शन में कंसर्न मैजिस्ट्रेट का लेटर लेना है कल मेरे को. मैं चलता हूँ. सर क्या है कि मैं एक जज प्रोकन वाला को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ. अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो मैं आपको उनसे मिलवा सकती हूँ. अरे एतराज का होगा. थैंक यू सो मच. तुम्हें तो कहा था कि पुलिस और प्रेस को मिल के काम करना चाहिए. आई रियली अप्रिशिएट दैट. तो कल ओके सर, थैंक यू. 10 o'clock आउटसाइड द कोर्ट. क्यों बे वो काने, तेरे बाप ने भी कभी वापरा था कह रही है? नहीं 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 साला, तेरे को भाई बनने का है. नहीं भाई नहीं बनने का साहब. भाई बनने का तेरे को? भाई साहब मेरे को भाई नहीं बनने का साहब. साहब मैं मुझे क्या दिखता है? इधर देख साहब. साहब मैं तो उनके पास ही देख रहा हूँ साहब. सामने तो देख नहीं सकता, मारते समय ढंग से देखता है कि नहीं? नहीं साहब. ये काने, चल जल्दी से मार्ट का पता बता. मुझे नहीं पता साहब. अबे साले ऊपर से तो पहले से ही सरका हुआ है तू. अगर एक कस के झापड़ मारूंगा ना, नीचे से भी सरक जाएगा. साला नाटक कर रहा है तेरी तो. नहीं पता. बोल, बता दे कि नहीं बोल. बता दिया क्या ये? नहीं सर, कल शाम को मार्ट गली में आया था, इस एक ही लाइन पे अटका हुआ है अभी तक. नाम क्या है इसका? ये काना शंकर साहब. काना शंकर, लालिया को जानता था क्या? नहीं साहब. सच सच बोल. साहब मेरे को नहीं मालूम साहब. वो कहाँ रहता था, उसका माँ बाप का कुछ अता पता? कोई और है जो जानता है? साहब मेरे को नहीं मालूम साहब. हम लोगों में से किसी को नहीं पता साहब. मेरा तरफ देख के बोल नहीं साहब. साहब मैं तो आपके तरफ ही देख रहा हूँ साहब. अच्छा अच्छा, क्या मिला इन लोग के पास? दो के पास चॉपर और एक के पास गुप्ती मिली. और इस काने के पास 8 mm थी. एक चोकरी का वास्ते इतना सारा हथियार? साहब हमारे लिए साहब वो तो तुम मारने दिए. चुप चुप. हेलो हेलो, इंस्पेक्टर भरूचा. हाँ बोल रहा हूँ. आवाज पहचानी क्या? लड़की की पहचान बताने की बदली एक याद होगी. लड़का का पहचान? लालिया. हाँ हाँ, जो तुम्हें क्या चाहिए? बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए. बक्कम. हाँ? सीधे साधे लोगों को फंसाने के बजाय पुलिस वालों की फिरकी लेने में बहुत मजा आता है. सच्ची में आप उसे पहचानता है कि? ये बक्कम, ये पुनप्पा मश्करी करता है, टांग खींचता है, लेकिन जिंदगी में झूठ कभी नहीं बोलता. जिस दिन से मैंने ये फोटो देखा है, दिल बार बार बोलता है कि वही लड़का है, उसी का लड़का है. उसका मतलब? अरे बक्कम, बड़ी राजनीति है, बड़ी पॉलिटिक्स है, तू नहीं समझेगा. तू दारोबर क्लास में इनके. पर पुनप्पा सेठ, आप सीधा क्यों नहीं बता देते उस पुलिस वाले को? अरे ढूंढने दे, थोड़ा पसीना बहाने दे. नहीं तो ये पुलिस वाले मुश्किल काम कब करेंगे? अरे ए बाबा, क्या यशवंत, तू क्या कर रहा है यहाँ? लड़की का इंतजार करता हूँ. यहाँ? अरे उसे किसी होटल में बुलाते, किसी क्लब में बुलाते, यहाँ जमेले में कहाँ बुलाए लड़की? ऐसा बात नहीं है यार, क्राइम रिपोर्टर से. तू यहाँ क्या करता है? अरे वो अपना 89 का केस है ना. वो वापी वाला? हाँ यार, आज बोर्ड पे आ रहा है. मुबारक हो. क्यों? रिटायर होने से पहला बोर्ड पर तो आया. हाँ चल मैं निकलता हूँ, वो खड़ूस के सामने जाना है यार. हेलो इंस्पेक्टर भरूचा, पहचाना क्या? हाँ तुम्हारा आवाज में कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन भाई साहब हेलो, जो तुम जो भी है, तुम्हारा फोन बार बार कट जाता है, बात पूरी तरह से हो नहीं पाता. कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, फोन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में ही है. I'm so sorry sir. नहीं that's all right. एक मिनट. आपके ऑफिस में फोन किया था, वहां से आपका मोबाइल नंबर लिया, सोचा आपसे कुछ और बातें करूं. हाँ लेकिन हमें बात पूरा करना, फोन काट नहीं देना प्लीज. तुम उस लड़का का रिश्तेदारों को जानता है क्या? ये बात तो मुझे बतानी है. एक इंडिया कॉल बड़ा. हाँ बोल बोल. क्या हुआ सर?
एक आदमी है जो बार बार फोन करके बताता है कि वो लालिया को जानता है, लेकिन बात पूरा करने से पहले फोन काट देता है। अजीब बात है, शायद मजाक कर रहा है सर। मजाक करे, इधर मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, सीनियर का ताना सुनता हूँ, जूनियर लोग का बात सुनना पड़ता है, इसको मजाक सोचता है, खेल खोरिया। सॉरी, अभी उसका नंबर मिल गया, अभी उसको पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर मजाक करता है पकड़ के बोट मारूंगा साले को। चले जज साहब के पास। व्हाट्स हिज नेम अगेन? जज पोखरनवाला। पोखरनवाला। ए पुनप्पा सर, वाह कैसे है वाह। ए इधर आओ इधर आओ। हां बोल ना। पक्कम के बेटे का जन्मदिन है। अरे भाई आना। मिलेगी तो सब आ जाएंगे बड़े। ये इंस्पेक्टर बरूचा हैं, इन्हें आपसे कुछ काम है। बोले ना जल्दी। बात एम छे अंकल, तन लड़काओ मिस्टर बरूचा, आर यू ट्राइंग टू इम्प्रेस मी बाय टॉकिंग टू मी इन माय ओन लैंग्वेज? नो सर, आई वाज जस्ट। स्टैंड अप अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर बरूचा, एक तो कोई पुलिस ऑफिसर मेरे सामने बैठने की हिम्मत नहीं करता, तुम बैठे थे वो मेरी इस डिग्री की वजह से, और ऊपर से पारसी में बात करके मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। नाउ लुक, पारसी वारसी इस चेंबर के बाहर, समझे? बैठ जाओ, कहो कि क्या काम है, और हां पसीना पोंछ लो। सर, कुछ दिन पहला श्रीवर्धन में मेरा हाथ से 3 लड़का लोग मारा गया। दे वर हार्डकोर शार्पशूटर्स ऑल 3। उसमें 2 का लास्ट डोज का रिश्तेदार क्लेम करके ले गया, लेकिन 1 का लास्ट लेने कोई नहीं आया सर। वो लास्ट अभी तक श्रीवर्धन मॉक में है, कल लास्ट डे है। अगर वो लास्ट को कल तक कोई लेने नहीं आया तो उसे डिस्पोज कर दिया जाएगा, विच आई थिंक विल बी टेरेबल सर। ही सीम्स टू बी फ्रॉम अ गुड फैमिली। मैं चाहता है उसका लास्ट को उसका रिश्तेदार तक पहुंचा दिया जाए, इसलिए मैं उसका रिश्तेदार को ढूंढता है। मिस्टर बरूचा, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अगर उस लड़के के रिश्तेदार उसकी बॉडी को क्लेम करने के लिए नहीं आते, देन व्हाई यू ट्राइंग सो हार्ड? तुम ये बेकार की कोशिश क्यों कर रहे हो? इंसानियत का नाटक सर। सर, यू मे नॉट बिलीव दिस, यू माइट नॉट बिलीव, बट आई हैव नेवर किल्ड एनीवन बिफोर। मेरा बेटा का उम्र का था वो लड़का जो मेरा हाथ से मरा, इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम उसका लास्ट को तो उसका रिश्तेदार का पास। ओके ओके, टेल मी कितने दिन हुए? 6 डेज सर। Well, you get 6 more days. Not a second more than that. I appreciate very much, sir. You can shift the body to the Bombay Coroner's Court. One thing. Lash ko kuch hona nahi chahiye. Kuch nahi hoga, sir. Bilkul intact rehni chahiye. Right, sir. Agar lash ko kuch hua, then I'm afraid I'll have to sack you. Get that? Yes, sir. Bahar se letter le lo. All the best. Thank you very much, sir. Welcome. Thank you, uncle. You're the best. Mr. Bharucha, I appreciate you. You're really doing a fine job. Keep it up. Thank you, sir. Bye. Ye register office kidhar hai? Wahan se left, sir. Thank you so much, Kiran. You made it possible, huh? Kyun aap mujhe sharminda kar rahe hain, sir? Aap itna nek kaam kar rahe hain. Kitne dino se main crime reporting kar rahi hun. Pehli baar aap jaise officer se mulaqat hui hai. Thank you very much. Mera saubhagya hai ki main aapki kuch madad. Aaj thoda madad aur karo mera, huh? Mere ko abhi Srivardhan rawana hone ka ulas ko claim karne ko. जरा पता लगाओ ये नंबर किधर का है। 446-4444 जिधर से ये फोन आया ना, वहाँ पर एक गेंडिया नाम का आदमी काम करता है। ओके। अरे काट मैं यार, क्या कर रहा है आप? एक मिनट, जब तक ऋतिक नहीं आएगा तब तक मैं केक नहीं काटूंगा। अरे उसने मुझे फोन पे बोला है वो नहीं आएगा, वो शूटिंग में बिजी है। अरे काट मैं, अरे लाइट क्या गई, लाइट लगा यार। रोना नहीं प्यारे मेरे, देख तूरे दांत मेरे। रोना नहीं प्यारे मेरे, देख तूरे दांत मेरे। रोना नहीं प्यारे मेरे, देख तूरे दांत मेरे। देखते ही हंसते हैं सारे, ये दुनिया है रे गोल, ये पुनप्पा गोलम झोल, ये दुनिया
दुनिया है रे गोल, ये पुनप्पा झोल ना झोल, रोना नहीं प्यार मेरे, अरे देख तू रे दांत मेरे, अरे रोना नहीं प्यार मेरे, देख तू रे दांत मेरे, देखते ही हंसते हैं सारे, ये दुनिया है रे गोल, ये पुनप्पा झोल ना झोल, ये दुनिया है रे गोल, ये पुनप्पा झोल ना झोल, ये पुनप्पा, ये पुनप्पा, ये पुनप्पा झोलम झोल। यहाँ आते पी के गम छोड़ जाते, सभी साले यहाँ आते पी के गम छोड़ जाते, शायर यहीं पैदा होते, ए भक्कम सबका बोल तू खोल, ये पुनप्पा झोल ना झोल, और सबका बोल तू खोल, ये पुनप्पा झोल ना झोल, अरे रोना नहीं प्यार मेरे, अरे देख तू रे दांत मेरे, रोना नहीं प्यार मेरे, देख तू रे दांत मेरे, देखते ही हंसते हैं सारे, ये दुनिया है रे गोल, ये पुनप्पा झोल ना झोल, ये दुनिया है रे गोल, ये पुनप्पा झोल ना झोल। नीलाम देखो रे, खून को भी भूलने निकले रे, रिश्तों का नीलाम देखो रे, खून को भी भूलने निकले रे, मौत भी सस्ती हो गई रे, मौत भी सस्ती हो गई रे, निभा तू अपना रोल, पुनप्पा झोल ना झोल, और निभा तू अपना रोल, पुनप्पा झोल ना झोल, नहीं प्यार मेरे, देख तू रे दांत मेरे, अरे रोना नहीं प्यार मेरे, देख तू रे दांत मेरे, देखते ही हंसते हैं सारे, ये दुनिया है रे गोल, पुनप्पा झोल ना झोल, ये दुनिया है रे गोल, पुनप्पा झोल ना झोल, ये दुनिया है रे गोल, ये पुनप्पा झोल ना झोल, ये पुनप्पा, ये पुनप्पा, बॉम्बे पहुंच के इमीडिएटली बर्फ कलारी का इंतजाम करना। ओके सर। लाश को जरा संभाली ना। ओके ठीक है। आलिया की लाश को हक से मानकर कुछ गलती नहीं किया मैंने। डाटिया मैं तेरे को लास्ट टाइम बताता हूँ, ये लास्ट तेरे को सोपने का सवाल इसने पैदा होता। दैट्स ऑल। मगर क्यों, 5 दिन से रखवाली कर रहा हूँ मैं इसकी, अगर ये लाश सलामत बचे है ना तो सिर्फ मेरी वजह से, वरना इन लोगों ने कब की ठिकाने लगा दी होती। इम्पॉसिबल डाटिया, गलत फहमी है तेरे को। हो ही नहीं सकती, तुम लोगों ने तात्या से घबरा कर इस लाश को संभाल के रखा था। तात्या आई अखा नाटक कौन ना वास्ते करता है तू? उस लड़के के लिए। उस लड़के का वास्ते ना, अपना वास्ते तो नहीं, तो उसे अपना असली माँ बाप का जरूरत है। अरे पर मिले क्या, 5 दिन से ढूंढ रहे हो, या कुत्ता तक पूछने नहीं आया, वह बम्बे में कुछ मिला? मेरा कोशिश तो जारी थे। मत करो ना, मत करो कोशिश, सिर्फ ये लाश मुझे दे दो। जो तात्या मैं 5 दिन से कोशिश करता हूँ उसका माँ बाप को छोड़ने का वास्ते, आउट ऑफ द वे जाकर मैं यहां उसका लाश को लेने आया, उसका माँ बाप को देने के लिए, तेरे को सौंपने का वास्ते नहीं। अगर इटली चम रद्दी है तो उसका लाश का पीछू चिल्लाने का बजाय जो लड़का लोग तेरा पास आता है जीते जी उनका जिंदगी सुधारने का कोशिश क्यों नहीं करता तू? सर, सर ऑल पेपर सर रेडी। दैट्स ऑलराइट, कम ऑन। ए कालिया, तू क्या कर रहा है इधर? कम ऑन अभी, चल 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 निकल चल अभी, डोंट वेस्ट टाइम। अरे जाता हूँ, जाता हूँ।
मैं तो उसकी लाश लेने आया था। ओ भरूचा साहब, अगर कोई नहीं मिला ना तो उसे लावारिस मत समझना, मैं करूंगा उस पर संस्कार। कितने दिन फुकट में दारू पिए इधर? पैसे निकाल, पैसे निकाल। पैसे नहीं है इस पुनप्पा के साथ झोल नहीं करना। ठीक है, ठीक है, फुकट में दारू पीता इधर। आइए आइए, अंदर आइए ना, आइए। झोल मत करना, जाओ। आइए 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 आइए, पुनप्पा शेट, पुनप्पा शेट, भाई आइए, भाई भाई। ओ भाई, बैठो बैठो, बैठिए ना, बैठिए। तेरा संभल गया, इस होटल में पुनप्पा के सिवा हर चीज टूटी हुई है। बैठिए बैठिए बैठिए। ये बक्कम, ये साले की बीवी को दे दे, ये माचिस भी दो, जाओ, बाद में दे देना। बोलो। इंस्पेक्टर बरूचा ने मुझे यहाँ भेजा है। वो आपको देख के ही पता चलता है, वरना इतनी अच्छी लड़की मेरे दारू के अड्डे पे कैसी आती? देखिए पुनप्पा, आपने बरूचा साहब को ये बताया था कि आप लाला के माता पिता को जानते हैं, है ना? डायरेक्ट पॉइंट पे, हाँ जानता हूँ। मुझे लगा बरूचा खुद आएगा ढूंढने को, आपको भेजा। आप उन्हें कितने सालों से जानते हैं और क्या आप ये जानते हैं कि वो कहाँ है? बेलगांव में रहता था, सुधाकर राव बड़ा अफसर, उसकी औरत स्कूल में टीचर, और वो लड़का लालिया मवालीगिरी करता था, इसलिए घर से निकाल दिया और वो खुद मुंबई चले आए। अब कहाँ है तुम ढूंढ के निकालो, वो कहाँ है मुंबई में? ये किसी पेट्रोल कंपनी में बड़ा ऑफिसर है, सुधाकर राव, और उसका बेटा सुनील राव। देखिए मिस्टर पुनप्पा। ओ भाई, जितना टाइम आपको दिया ना उतना टाइम पुनप्पा अपने आप को भी नहीं देता है। तुम जाओ, सुधाकर राव को ढूंढ के निकालो, जाओ। वो सुधाकर राव का ही बेटा है। ये बक्कम कबड्डी खेलता है क्या? वो ये उधर से मत जाओ, उधर बेवड़े लोग हैं, इधर से जाना, इधर अच्छा रास्ता है, अच्छा जाओ। और पता लगते ही मुझे खबर कर देना, साले से बहुत पुराना हिसाब चुका है।
आप किस काम से आई थी? वो क्या है कि मेरे एक परिचित हैं इंस्पेक्टर बरूचा नाम करके, तो क्या है कि 6-7 दिन पहले उन्होंने अपनी टीम के साथ श्रीवर्धन में इनकाउंटर किया था। फिर उनमें से एक की बॉडी की क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया है। तो नहीं, इंस्पेक्टर बरूचा श्रीवर्धन गए हैं। आपको नहीं लगता आप ये बात जरा खींच रही हैं? कम टू द पॉइंट मिस जयवंत, आप मेरे पास क्यों आई हैं? वो पानी कहाँ रह गया? सॉरी, बोलिए। नहीं, मैं बस ये। आप लीजिए पानी। थैंक यू। लीजिए लीजिए। हाँ। देखिए मिसेस राव, एक आदमी ने हमें बताया है कि वो बॉडी किसी मिस्टर सुधाकर राव के बड़े बेटे की है। और और मरने वाले का नाम सुनील राव है। थंबी, एक कप चाय बनाना। इंटरेस्टिंग। और आप मेरे पास इसलिए आई हैं कि हम लोग राव हैं? मुंबई में तो आपको हजारों राव मिलेंगे। देखिए मिसेस राव, पेट्रोलियम कंपनी में सिर्फ 2 अफसर हैं जिनका नाम राव है। एक ही घर में जा चुकी हूँ और दूसरे आपके पति हैं। अच्छा अच्छा, पूछ लीजिए, आपको जो सवाल पूछने पूछिए। देखिए मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपका बड़ा बेटा है ना? बड़ा बेटा मेरा कंप्यूटर इंजीनियर है कैलिफोर्निया में। कोइंसिडेंस देखिए, आप आई तब मैं सुनील का ही खत पढ़ रही थी, कैलिफोर्निया से भेजा है उसने। पढ़िए, कैलिफोर्निया से है। थैंक गॉड। क्यों, क्या हुआ? नहीं बस, मुझे खुशी हो रही है कि लाओ चाय। लाओ, आप चाय लीजिए, रख दो आप। द प्रॉब्लम इज, एक मिनट, ये ग्लास कौन लेके जाएगा? तभी कितने साल से मेरे यहाँ काम कर रहे हैं आप? कितनी बार एक ही बात बतानी पड़ेगी? उठाओ अभी ग्लास, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ट्रे नहीं, ग्लास, ग्लास लेके जाओ। इट्स इम्पॉसिबल टू वर्क विद दीस पीपल। नहीं, वो क्या है मिस जयवंत, कि आपको किसी ने कुछ कह दिया और आप बस निकल पड़ी पुलिस की मदद करने, सोशल वर्क, और पुलिस है कि बस आराम से बैठ करके मजा देख रही है। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है, आप मेरे पास आई। कहीं और गई होती, ऐसी इंसल्ट किसी और की होती तो आई एम सॉरी टू से, आपको तो घर से धक्के मार के निकाल दिया होता, आपकी कंप्लेंट भी की होती। आई मीन, आप जिस घर में बैठी हैं जरा देखिए, यहां ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए मिसेस राव, आजकल घर कोई मायने नहीं रखता। बड़े बड़े घर के लड़के पता नहीं क्या कर बैठते हैं, और जिस घर में देखकर ऐसा लगे कि यहाँ कुछ गलत हो सकता है, वहीं के बच्चे समाज के लिए आदर्श बन जाते हैं। एंड यस, वन मोर थिंग मिसेस राव, बच्चों का भविष्य सिर्फ धन और ऐश्वर्य से अच्छा नहीं होता है, अच्छे संस्कारों से बनता है। कैलिफोर्निया में कहाँ? क्या, आपका बेटा कैलिफोर्निया में कहाँ काम करता है मिसेस राव? कहाँ? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली? सुनील, हाँ वो सिलिकॉन वैली में है। बड़ा स्टूडियस लड़का है, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास। चिट्ठी पढ़िए, उसने एक नया कंप्यूटर प्रोग्राम इन्वेंट किया है, वहां के सिटी मेयर उसका सम्मान करने वाले हैं। वेरी गुड, सचमुच ये लिखाई बहुत सुंदर है मिसेस राव। एनीवे मुझे जाना चाहिए। अच्छा हुआ इसी बहाने आप लोगों से पहचान हो गई। थैंक यू फॉर योर टाइम। आप जी टीवी पर जितनी अच्छी दिखती हैं उससे रियल लाइफ में बहुत अच्छी दिखती हैं। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। वाकई मिसेस राव, आपके बच्चे बहुत होशियार हैं। वो तो होना ही है, एक आदर्शवादी टीचर के बच्चे जो हैं। थैंक यू। साला,
चल भागते चल चल ये साला भागेगा तो बहुत हमारे का मालूम नहीं तेरे को ठोक डालता है एकदम चल भागते चल करते रुक साले बात करते हैं आ चल 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 जल्दी चल चल अरे तू इस्माइल है ना नहीं साहब असलम हाँ वही वही असलम असलम कभी छूटा जेल से सर अभी कुछ दिन पहले छूट के आया सर सुधर जा साले मैं तो किसी दिन कमती कर डालूंगा तेरे को हाँ साहब अरे अच्छा सुन तू वो मैटर गैंग के लाला को जानता था खैर वही चिकना नहीं साहब नहीं पर माटके ग्रुप का पता बता सकता हूँ क्या रस्ते लग गए रे जिंदगी ए माट यार तू क्यों फिकर करता है तू पी यार तू पी सारा सारा ये पुलिस वालों ने जीना हराम कर दिया है उस दिन उन पुलिस वालों को ऐसा झाड़ा है इसके ऊपर भी अगर वो और कुछ ज्यादती करेंगे तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं ऊपर तक पहुंचूंगा तू ऊपर तक हिला देगा सारा उसके पहले मेरे को डाल दिया तो क्या क्या फायदा तेरा वो पार्षद है ना वो कुछ नहीं करेगा हाँ लेकिन भाषण बहुत अच्छा देता है भाषण बहुत ही अच्छा देता है लेकिन वो रावण साला दिमाग में बैठा है उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा मार अभी चलनी चिसारी मार तोरी मायनी आफत मार साला सुन ले अपना मनहूस आवाज लास्ट टाइम अपना कान से तेरा काट दिए सब हुआ ये सारा खून खराबे का जवाबदार तेरा साला शैतान खोपरी दूसरा का घर जाता है तुम लोग हाँ साला अभी अगर मेरा उंगली ट्रिगर दबा दिया ना तेरा भेजा मेरा जूठा का नीचू आ जाएगा ये पिस्तौल को पहचानता है ना तू जानता है कितना बड़ा छेद हो जाएगा तेरा खोपरी में अगर गोली चल गया इसका फिर सोचता रहे ना तेरा मरने के बाद तेरा बुरा माई कैसा चौराहे पर भीख मांगेगा आज तक मैं कभी किसी पर जानबूझकर गोली नहीं चलाया लेकिन बाय गॉड एक सेकंड में ये पूरा पिस्तौल तेरा खोपरी में खाली कर दूं आज सो बाप न जन्मे लो पैंट भी गीला थे गया भाई समाज सेवक समाज रक्षक साहब मैं इसकी इंटरव्यू लेने अभी तुम्हारा इंटरव्यू पुलिस वाला लेगा डंडा के साथ अंदर करो अंदर करो करता हूं अंदर अरे छक्के साले लड़की को उठाने वाला था तू बोल ये तेरी भाई गिरी है साला अच्छा करके बच्चों को शूटर बना देते हो बोल बोल साले नहीं तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं बता ना साले बता लाले के मां-बाप कौन थे किसका बेटा था वो मेरे को कुछ मालूम नहीं मेरे को कुछ मालूम नहीं वो मैं मेरे गैंग का आदमी था गैंग का आदमी था साला लुक्का समझता है हमको 12 दिन से उसकी लाश लेके छत मार रहे हम लोग मालूम नहीं तेरे ये अपना होटल नहीं है पता है ये लोग भी तंबाकू का की यही पिचकारी मारती ये पूछ भरूचा किधर बैठता है हवलदार साहब हाँ वो भरूचा साहब किधर बैठता है कहाँ से आए आप क्या काम है आपका मुझको उनसे काम नहीं उनको ही आप उनसे काम है भरूचा साहब ने मुझे यहाँ बुलाया है वो पांचवें रूम में बैठते है हाँ चल रही ये साले अपने बाप को भी क्रिमिनल समझते है भरू चाय क्या क्या
क्या बोला तू? नहीं नहीं नहीं, भरूचा साहब है क्या पूछा? ठीक है, क्या काम है भरूचा साहब के पास? वही पूनप्पा आवाड़ी, मेरे को नहीं भरूचा साहब को मुझसे काम है। अच्छा ए, चल तू खड़ा रहे उधर, चल तू चल मेरे साथ चल। अरे धक्का क्यों मार रहे हो? अपने को देखो, मुझको देखो, तुम अगर सिर्फ उधर हिलेगा तो उस हवा से मैं गिर जाऊंगा। अच्छा चल 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 चल, बहुत मजा कर रहा तूने पुलिस के साथ। सैमसन ये वो रहे भरूचा साहब। पूनप्पा पूनप्पा रात भर सोई नहीं क्या? तू लालिया के माँ बाप को जानता है? अरे जानता हूँ, इसीलिए तो बता दिया, अभी तक ढूंढ नहीं पाए। तू जो राव का पता बताया था, वैसा कोई राव का बेटा नहीं है लालिया। क्या बात कर रहे साहब, सारे राव से पूछ लिया क्या? हाँ, किरण जयवंत ऑलमोस्ट सभी राव से मिल चुका है। उसे भी नहीं बताया? आप कैसे मानेंगे कि लड़का बिगड़ के गुंडा हो गया है? किस मुंह से बताएंगे? ये हमारे बेटा है। पूनप्पा तू हमें मिसगाइड तो नहीं कर रहा है ना? हाँ, हमारे साथ मस्करी करेगा तो उसका क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा मालूम है ना तेरे को? भरूचा साहब, आप इतनी ईमानदारी से मेहनत कर रही है, मैं भला क्यों मस्करी करने लगा? हम बेलगांव में साथ में रहती थी, सुधाकर राव के बाप से मेरे अच्छे ताल्लुकात रही, मैं अक्सर उनके घर जाया करता था। राव का बाप मर गया, उनका बेटा बड़ा साहब हो गया है, लेकिन उस साहब का बेटा बर्बाद हो गया, कॉलेज में भाईगिरी करने लगा, तो मानिए घर से निकाल दिया, सीधा गया आसमान में, और आप उसकी लाश लाके यहाँ उसके माँ बाप को ढूंढते फिर रहे हैं। भरूचा साहब अब बार बार मुझे यहाँ बुला के पूछेंगे और हर बार मैं यही कहूंगा कि ये वही राव का बेटा है। ये इस रिपोर्टर भाई को मैंने उस दिन यही बोला। पूनप्पा मैं सुधाकर राव के घर जा चुकी हूँ, उसका बड़ा बेटा कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में, और उनकी बेटी है ना सुजाता, हाँ, वो MBBS सेकंड ईयर पढ़ रही है, डॉक्टर बनने वाली है। लड़की पढ़ गई उसकी, मेरी बेटी बर्बाद हो गई। क्या तुम सही ठिकाने पे पहुंची थी? भरूचा साहब मैं कसम खा के बोलता हूँ ये वही सुधाकर राव का बेटा है। मुमकिन नहीं है पूनप्पा, कितनी बार मैं तुम्हें बताऊँ? हाँ उसकी माँ ने मुझे वो खत भी दिखाया है जो उसके बेटे ने सिलिकॉन वैली से भेजा है। मरा हुआ बेटा अमेरिका से लेटर भेज रहा है। पूनप्पा लगता है राव की बीवी पागल हो गई है। पूनप्पा हर बात में मस्करी नहीं है, सिर्फ तुम्हारे जवान का भरोसे मैं इतना कुछ किया हूँ, अगर ये सब झूठ साबित हुआ तो मेरा सारा काम पर पानी फिर जाएगा। इतना वर्ष मैं पुलिस डिपार्टमेंट में ये पोजीशन बनाया हूँ, अगर उस पर कुछ आज आया ना तो मैं तेरा मार्च। भरूचा साहब आपकी जितनी सर्विस हो गई है ना उससे दुगनी उम्र है मेरी। मुझे यहाँ बुला के सवाल जवाब पूछने के बजाय आप राव को बुलाइए, उसे पूछिए, घमंड उतारिए उसकी। अच्छा मैं चला। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, गुनेगढ़ बन के नहीं। चाय देने के बजाय धक्का देते हो। चल चल बक्कम, ये पुलिस वाले नहीं सुधरेंगे। सुधरेगा राव, इस पूनप्पा को जरूर याद रखेगा जिंदगी भर। ए तू जा बाबा। डर गया बॉडी देख के, कैरेक्टर है तीसरा आयला। With reference to the discussion the undersigned had with your representative, we regret to say that despite repeated reminders, sir, ये सब आपसे मिलना है। भेजो अंदर। जी सर। क्या था? Reminder. Despite repeated reminders, you have defaulted. Therefore, it is a matter of great concern to us, and we would once again request you to. Do the needful.
We look forward to an early response from you. Excuse me, I'm Inspector Bharucha. Kya tha wo? Yehi na ki, we once again look forward to an early response from you. That's it. Yours faithfully, Sudhakar Rao. Please type that immediately. Okay, sir. Thanks. Inspector Bharucha. Is pe Mr. Bharucha likha hai? Main police officer ka haisiyat se nahi aaya. I see. Inspector Bharucha. Us din ZTV se ek reporter... Haji, Kiran. Kiran Jaywant. That's right, Jaywant. Wo mere ghar aayi thi, meri biwi se keh rahi thi ki aapne ek encounter mein kuch gunde mare hain. और उनमें से एक गुंडे की बॉडी मेरे बेटे जैसी लगती है. हाँ जी, मैं इसी कनेक्शन में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं. गुड, मैं खुद आपसे मिलना चाहता था. अगर मेरी जगह कोई और होता ना मिस्टर बरूचा, तो आप पर एलिगेशन लगा देता और अब तक आपको सैक कर दिया गया होता. पता नहीं एक एनकाउंटर में एक गुंडा बारा जाता है और उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी को भी किसी के पास भेज दिया जाता है. ठीक तरह से छानबीन करने पर आप लोग ध्यान क्यों नहीं देते? I understand, sir, लेकिन इंसानियत के नाते. इंसानियत? इंसानियत? जाने दीजिए मिस्टर बरूचा. पुलिस वालों के मुंह से यह शब्द अच्छा नहीं लगता. मैं तुमसे कहा ना सर, मैं पुलिस वाला का हैसियत से नहीं आया हूं. तो फिर क्या करने आए आप? ये बताने की आपसे भूल हो गई या फिर गलती से वो लड़की? नहीं. तो फिर क्या ये बताने आए हैं कि जो मारा गया वो हमारा बेटा है? नहीं नहीं, ये भी नहीं. मैं सिर्फ वेरिफिकेशन के वास्ते आया. उस लड़का का माँ बाप को खोजते वक्त हमको एक आदमी ने बताया कि उसका पिता का नाम सुधाकर राव है और वो किसी बड़ा पेट्रोलियम कंपनी में मैनेजर है. जनरल मैनेजर. जनरल मैनेजर, सॉरी. क्या वो सुधाकर राव तुम है? मैं सिर्फ इसका वेरिफिकेशन के वास्ते आया. दिस इज नॉनसेंस मिस्टर बरूचा. आप मुझ जैसे रेप्यूटेड आदमी को वेरीफाई करना चाहते हैं? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मेरा नाम किसने बताया आपको? पुनप्पा आवडे. पुनप्पा आवडे. आई सी. देखने में तो आप इंटेलिजेंट नजर आते हैं मिस्टर बरूचा, फिर भी एक शराबी की बातों में आ गए. पुनप्पा वही ना, दुबला पतला लंबा शराब की दुकान वाला. कमाल है, आप किसकी बातों पे भरोसा करके किसके पास आ गए. ग्रेट वर्क मिस्टर बरूचा. उसका रिकॉर्ड चेक किया आपने? ब्लैकमेलर है वो. बेलगांव में रहता था, एक नंबर का बदमाश. 7-8 साल पहले मेरे पास ही आया था अपनी बेटी की शादी का बहाना लेकर उधार मांगने. मैंने उसे पैसे नहीं दिए, शायद इसलिए बदला निकाल रहा है. नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मिस्टर बरूचा. पुनप्पा जैसे लोग आप जैसे ईमानदार लोगों का फायदा उठाते हैं. यू नो, उसने अपनी बीवी तक को मार दिया था जला के. तो फिर वो तुम्हारा ही नाम कैलकुलेटर? पता नहीं, पैसे अटने होंगे या फिर मेरा सुकून खराब करना चाहता होगा. आप उसे हवालात में ले लीजिए, खूब धुलाई कीजिए, सब साफ साफ उगल देगा. Bloody blackmailer. Thank you, Mr. Rao. जो जरूरत पड़ा तुमको फिर से तकलीफ देगा. You are welcome. Thank you, Vin. क्या रे, तेरी वो चलती फिरती लाश कहाँ है? कौन? तेरा सेठ. वो अंदर है, मॉलिश करवा रहे. क्या काम है? साले ज्यादा जोर से बोलेगा ना तो तेरी बत्ती सी तोड़ दूंगा. चल बता तेरा सेट किधर है. चल चल बता. पुनप्पा सेट, पुनप्पा सेट. अरे क्या शोर मचा रखा है ये बॉडीगार्ड? छोड़ना उसे, छोड़. इधर भी आ पहुंचा. क्या हुआ भाई, क्या हुआ? चले चल, कपड़ा पहन. चल पहनता. चल, तुझे लेने आया हूँ मैं. चल पहनता हूँ बाबा. शो कितना शोर है, यमदूत बन के क्यों आये हो?
सीधा ऊपर ले जाओगे क्या? साले जल्दी कपड़ा पहन, नहीं तो नंगा ऐसे खींच के लेके जाऊंगा। चलो चलो, कहाँ ले जाओगे? चलो, अरे फिरो फिरो, अरे ये टार्जन हो सैमसन, अरे ये नया कुर्ते है मेरा, मेहनत की दारू के पैसे का, अरे ताकत क्यों दिखा रहे हो भाई? बहुत बोलता है साला, तेरे फसलियों पे गिटार नहीं बजाया ना तो नाम का अविनाश मराठे नहीं। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता कि ये काम हमारा नहीं है? तुम्हें दिमाग है या नहीं? नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, वो इच तो नहीं है। नहीं सर, मेरे से 5-5 साल जूनियर मेरा आगे का ही से निकल गया। मेरा सबऑर्डिनेट जिसको मेरा ऑर्डर सुनना चाहिए मुझे उसको सलूट करना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड भरूचा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सवाल ये नहीं है, सवाल हमारी नौकरी का है। यही तो मुश्किल है सर, आप नौकरी करता है और मैं ड्यूटी करता हूँ, और मेरे को मेरे ड्यूटी करने दो प्लीज, आई बेग ऑफ यू। दो दिन का सवाल है सर, इंसानियत का नाते मैं भीख मांगता हूँ आपसे। मैं चल सकता हूँ? जबरदस्ती क्या है सर? तो देखो सर, देखो पुनप्पा, अंदर कर सलाह है, अंदर कर, संभल के संभल के। ये क्या? दो लात पड़ेगा सब सच पके। ये खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तेरे को क्या लगता है तू गलत इन्फॉर्मेशन देगा, आम गलत आदमी को पकड़ के ले आएगा? कुतरिया साला, पुलिस को इडियट समझता है तू? अरे साहब आप मार क्यों रहे? जो सच है उसको झूठा बनाने के लिए तू ये सब काय को करता है? जो आदमी का नाम तू बताया जानता है वो कौन है? एक कंप्लेन करेगा साला मेरा नौकरी जोखिम में पड़ सकता है। क्या दुश्मन है उससे तेरा? ब्लैकमेल करता है तू उसको? रहो ब्लैकमेल, वो बड़े ऑफिस में बैठता है इसलिए वो बड़ा हो गया। मैं मामूली दारू की दुकान पर बैठा हूँ इसलिए मैं छोटा, मैं झूठा, वो पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं कहीं हो नहीं। चुप, आवाज नीचू करके बात कर। तू अनपढ़ नहीं है, तू बहुत पहुंचा हुआ है। तेरा सारा धंधा के बारे में क्या मालूम नहीं है मेरे को? साला चरस, गांजा, दारू का धंधा, ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग, अपना वाइफ तक का मर्डर किया तू। क्या ने ऐसा कहा? मैंने मेरी बीवी की जान ली ऐसा कहा? हाँ। देखो साहब, ये मैंने बहुत गलत काम किए, जुआ खेला, मटका चलाया, गांजा बेचा, चरस बेचा, अफीम बेची, दादागिरी की, मारामारी की, बहुत घटिया और घिनौने काम किए मैंने, लेकिन मेरी बीवी को मैंने नहीं मारा। और वो कह रहा है कि मेरी बीवी की मैंने जान ले ली, क्योंकि दुनिया के सामने वो स्वीकार नहीं करना चाहता कि वो मरा हुआ गुंडा उसका बेटा है, इसलिए झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। वो उसका बेटा नहीं है। अरे है साहब, वो उसका ही बेटा ही। पुनप्पा, अगर तेरा बात गलत निकला ना, तेरे को उल्टा टांग के तेरा चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। बचपन से मार का कर बड़ा हुआ है पुनप्पा, अपना मूत पीता है। वो बेल का डर मुझे मत दिखाओ, पुनप्पा डरने वाला नहीं है। लेकिन साहब एक बात ध्यान से सुन रखो, ये पुनप्पा कभी झूठ नहीं बोलता, जबरदस्ती उसके सच को झूठ मत साबित करो। ए तुझा आएला, ठीक है पुनप्पा जा, मैं बुलाएगा फिर से तो आना। हाँ, कहाँ जाएगा ये पुनप्पा बाग के? ये साहब है ना उठा के लाने के लिए, तेरे बाप के उम्र का हूं मैं। सत्यानाश कर दिया कुर्ते का, बोली मक्खड़ी सांड कहीं का, कभी उठा के पटक दूंगा चोरू साला। सर दिस इज लिमिट। यस सॉरी, यस यू नो आई थिंक वी हैव लॉस्ट इट। कल लास्ट डे है, इतना सारा मेहनत बेकार गया। ये सबकी वजह पुनप्पा ही है सर, अपनी सारी मुसीबतों की जड़ भी ये पुनप्पा ही है। मैंने ऐसे गेंडे जैसे खाल वाले इंसान को पहले कभी नहीं देखा सर। मुझे तो लगता है सर, राव के साथ पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए पुनप्पा ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। वो उसे ब्लैकमेल कर... नहीं रे, ब्लैकमेल करने का इंटेंशन होता तो वो राव को सीधा पकड़ता। इसने थोड़ा मस्करी तो किया अपना साथ, लेकिन कम से कम खबर तो दिया। और वो राव भी पुनप्पा को पहचान गया है, मेरे को लगा वो उसका नाम सुनकर चौकेगा। फिर ये पहली कब सुलझेगी? आखिर कैसे?
सर ये श्रीनिवास शेट्टी सदमा बार का मालिक है, लालिया को अच्छी तरह जानता है। कब से जानता है तू लालिया को? लालिया सर उसका नाम तो सुनील राव है। पुनप्पा की भी गलती नहीं है इंस्पेक्टर भरूचा, यह लड़का वाकई मेरे बेटे जैसा दिखता है, चेहरा काफी मिलता जुलता है, शायद इसलिए उसने सोचा हो कि ये मेरा बेटा सुनील है। लेकिन समझे नहीं, सर पे गोली लगी थी? नहीं गणपति पे। क्या गोली मारना जरूरी था? I'm afraid so, ना मेरा एक ऑफिसर का जिंदगी खतरे में था। ये इतना खतरनाक था? हाँ, जिसे मरने का फैसला कर लेता था बहुत बेरहमी से मारता था। चलो हो गया ना, मिल गई आपको तसल्ली, मैंने लाश भी देख ली, पुनप्पा की भी गलती नहीं। स्टिल एक लास्ट चांस लिया तो मैं पूछता हूं आपने लास्ट चांस क्यों लिया, जबकि मैं आपसे कह चुका हूं कि मेरा बेटा अमेरिका में है, कंप्यूटर इंजीनियर बनकर आराम की जिंदगी जी रहा है, फिर भी आपको क्यों लगा कि इस लाश को देखकर मैं समझूंगा ये मेरा बेटा है? मेरे जुड़वा बेटे नहीं है इंस्पेक्टर भरूचा, हिंदी फिल्मों की तरह। ये मेरी बदकिस्मती की एक बेवकूफ के कहने पर आपने मुझे झूठा समझा। बदकिस्मत तुम या मैं नहीं है राव साहब, बदकिस्मत ये छोकरा जिसको जीते जी मां बाप का साया नहीं मिला और मरने का बाद वारिस। खुद समझ में नहीं आ रहा है। समझते नहीं किरण, ये इस कसर वसर के बारे में मुझे कुछ मत बोलो। जाड़िया कहाँ है? वो अब नहीं आने वाला है। क्यों, तुम उसे भाव नहीं देती इसीलिए क्या? मिस किरण जयवंत कहाँ मिलेगी? हाँ वहाँ है। किरण तुमसे कोई मिलने आया? नहीं नहीं नॉट नाउ, आई एम वेरी बिजी, कल आने को कह देना। हाय किरण। हाँ हाय। हाय आई एम सुजाता, रिमेम्बर? हाँ 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 हाँ, सिट सिट सिट। थैंक यू। तो कैसे आना हुआ? तुमसे कुछ जरूरी काम था मेरा। आई सी, बोलो। हाँ फैसिनेशन, तुम मेरे साथ काम करना है ना? सो मिस्टर भरूचा क्या करना है? टाइम इज ओवर नाउ, बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना है नहीं करना है? ज्यादा तकलीफ करने का जरूरत नहीं है, जो तुमको ठीक लगे वही करो। उस दिन आप जिस काम से आई थी वो सही बात थी, वो बॉडी मेरे बड़े भैया सुनील की ही है। What is this obsession? भूख प्यास सब कुछ भूल गया था मैं उस बच्चे का पीछू। Why did I do all this? ये सारा कोशिश मैं छोड़ क्यों नहीं दिया? माँ ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि वो भैया है और वो गैंगस्टर थे और पुलिस की गोली से मारे गए। दोनों में बहुत झगड़े होते हैं, पापा का बीपी बहुत हाई हो चुका है। जरे कोई आई नहीं उसका मरा हुआ मुंह देखने को, एक बेचैन सा नींद सोता है वो, उसे माँ का गोद का जरूरत है, बाप का आठ का जरूरत है उसका सर पे। माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो साइकिक हो चुकी है। आप भरूचा साहब से प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए कि पापा को फोर्स ना करें। ऑलराइट कहिए कि पापा को फोर्स ना करें। प्लीज डोंट ट्राई, वरना हमारे घर में हादसा हो जाएगा, हमारा घर तबाह हो जाएगा किरण जी। एनीवे उसके माय बाप कोई फिक्र नहीं है, व्हाई द हेल शुड आई केयर? वो रहा हरामखोर जिसकी वजह से सब तकलीफ हुई, अगर इसने मिसगाइड नहीं किया होता तो लड़के के असली माँ बाप तक आप लोग पहुंच गए होते। कमीने, क्या मिला तेरे को ये सब नाटक करके? अगर पैसे चाहिए तो मेरे से मांगता, पहले भी तो दिए थे। मैंने कब इनकार किया? अरे कुत्ते की तरह घर में आता था, चोरी की, सब माफ कर दिया, फिर भी ये सब क्यों किया तूने? बोल क्यों किया? बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं दिए इसलिए ना, इसलिए नाक में दम किया ना तूने? अरे हरामखोर तूने तो अपनी बीवी तक की जान ले ली थी। राव ये मत बोल कि मैंने उसे मारा, मैं तेरे पास आया था मेरी लड़की की शादी में देश के लिए पैसा मांगने, तूने दिए नहीं, लड़की को जला दिया उन्होंने, उस सदमे से मेरी बीवी मर गई, मैंने नहीं मारा उसे। तू झूठ बोल रहा है, अपने पर मुसीबत आई इसलिए झूठा इल्जाम लगाते है मेरे पर। झूठा तू, चोर भिखारी ब्लैकमेलर जुआरी तू। अरे हाँ मानता हूँ मैं हूँ ब्लैकमेलर चोर जुआरी,
तू क्यों नहीं मानता कि वो तेरा बेटा है? फिर मस्करी करता है राव। I'm extremely sorry कि मेरा कारण तुमको इतना तकलीफ हो, मैं माफी मांगता हूँ। हाँ पुनप्पा, मैं माफी मांगता हूँ भाई। I'm very sorry। ये सारा जिम्मेवारी मेरा है। मैं बिंदु का माफी किए सब नहीं करता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। I'm very sorry। Please Mr. Rao, तुम घर जाओ और जो तुमको एक्शन लेना है तुम लो। पुनप्पा जाओ इधर से। Come on अभी। डॉक्टर साहब ये लाश को अभी का अभी फॉरन डिस्पोज कर देता है। But immediately खत्म खत्म बात खत्म, इससे रिश्तेदारी खत्म। लावारिस लाश है, लावारिस की तरह इसको खत्म कर दो, म्युनिसिपैलिटी में डाल दो। आई मगजमारी हूं काय करूं, फोकट मार जिसने जन्म दिया उसको फिक्र नहीं है। कुत्ता बिल्ली भी तो मरता है, ये भी मर गया तो क्या हुआ? डॉक्टर साहब लावारिस लाश है, म्युनिसिपैलिटी को बोलो लावारिस की तरह फूंक दो इसको। नहीं साहब, लावारिस नहीं, मैं लेता हूं इस लाश को, मैं दाग दूंगा इसे, मैं करूंगा अंतिम संस्कार। तू करेगा अंतिम संस्कार? तू करेगा अंतिम संस्कार? तू करेगा अंतिम संस्कार? साले तू समझता क्या है अपने आप को? बेटा नहीं, तू क्यों गिरता क्यों है? तेरी हिम्मत कैसे हुई रामखोर? हैसियत क्या है? दो टके का आदमी तू काबिल है क्या मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए? बोल, तू करेगा बोल, तू करेगा मेरे बेटे का अंतिम संस्कार? पुनप्पा, पुनप्पा, मेरा बेटा मर गया रे। पुनप्पा मेरा बेटा, ये सब क्या हो गया? पुनप्पा मेरा बेटा मर गया। मेरा बेटा, मेरा बेटा पुनप्पा, मेरा बेटा लावारिस नहीं है भरूचा साहब, वो मेरा अपना बेटा है। राव साहब मेरे को पता चल गया था। 2 साल पहले तुमने बेलगांव थाने में मिसिंग का एक रिपोर्ट लिखाया था ना, मेरे को कल ही पता चला, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। ऐसा काय को किया तुमने राव साहब? हिम्मत नहीं हुई उसकी लाश देखने की, मैं डरता था कि लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, डरता था कि इसका असर मेरे दूसरे बच्चों के भविष्य पर कितना बुरा पड़ेगा, मैं डरता था भरूचा साहब। इतने तुम अपना जिम्मेदारी भूल गए? उसको जन्म तो तुमने ही दिया ना, अगर तुम ये सब कुछ मुझे पहले बता देता तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन तुमने हमेश मेरे को बेइज्जत किया। I'm sorry, Inspector. Enough, Mr. Bharucha, enough. Mr. Pokhran वाला ने जो आपको वक्त दिया था वो पूरा हो चुका है, और 15 मिनट में वो लाश सड़ने लगेगी, और इसलिए मैं डिस्पोज ऑफ करने जा रहा हूँ। And listen, Mr. Rao, इस आदमी ने पिछले 6 दिनों से उस बच्चे के लिए बहुत कुछ किया इंसानियत के नाते, अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते तो मैं उस बच्चे की लाश को लावारिस समझ कर फेंक दूंगा। Only 15 minutes, Mr. Bharucha. नहीं, मैं अपने बेटे की लाश ले जाऊंगा, उसकी चिता मेरे हाथ से चलेगी इंस्पेक्टर, बस एक एहसान और कर दीजिए मुझ पर, मेरी पत्नी को वहां ले आई। But प्लीज इंस्पेक्टर, प्लीज बटरा साहब, प्लीज कोशिश करता हूं। हेलो किरण। यस सर। क्या? हाँ सर, ओके सर, हाँ मैं आ रही हूँ सर, ओके। किरण जसवंत है ना? जयवंत। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? हाँ मैं इनके ऑफिस गई थी कुछ जरूरी काम से। अम्मा देखो पापा ना, सुनील को खत लिख रही थी मैं।
बड़े दिनों से उसका खत नहीं आया, पता नहीं क्या बात है। तू भी लिख लेना भाई को दो लाइन, जगह है ना? अम्मा, इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है उसकी, सिर्फ मैं ही लिखती रहती हूँ खत। बेचारे को माँ की बहुत याद आती होगी, अगले 6 महीने मैं जा भी नहीं पाऊंगी, इसके एग्जाम है, यही लिख के बता रही थी उसको। देखो अब नवंबर में वो जल्दी आ जाए तो। पंखा किसने ऑन किया? बंद करो बेवकूफ, ये क्या हो रहा है ये? अरे पंखा बंद करो, पंखा। अम्मा पापा का एक्सीडेंट हुआ है। क्या कहा? हाँ? क्या कहा तूने, मुझे पहले बताया नहीं? कहाँ है वो? देखिए आप इसी वक्त हमारे साथ चलिए, आपके सारे सवालों का जवाब हम आपको वहाँ देंगे। पर वो है कहाँ? ये ना सोचा था कभी ऐसा एक दिन आएगा, ये ना सोचा था कभी एक दिन आएगा। घर का चिराग एक दिन, घर में अंधेरा लाएगा, ये ना सोचा था कभी ऐसा भी एक दिन आएगा। घर का चिराग एक दिन, हॉस्पिटल में ले गए ये लोग, लेकिन आप यहां क्या कर? कौन है ये? कुछ साल पहले ऊटी गए थे छुट्टियां मनाने, वहां वो सूरज नहीं सूर्या होटल में ठहरे थे, याद है? ये 5 साल का था तब, मैं उसे पीछे वाले गार्डन में झूला झुला रही थी, झूले पर से गिर गया, याद है ना तुम्हें? सिर पे चोट आई थी वो पत्थर से, और वो ऐसा सूज के काला, सारी रात में जगी थी, बर्फ लगाती रही उसके सिर पे कि कहीं चेहरा खराब ना हो जाए। और अब ये देखो इसे क्या कर लिया उसने चेहरे का, अब कौन सी बर्फ लगाऊं मैं? सब लोग कहा करते थे कि राव मैडम आपका बेटा बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदर, बुरी बुरी आंखें, इसे काला टीका लगा के रखना कहीं नजर ना लग जाए, लग गई।
मेरी नजर लग गई इसे। मिस्टर राव, टाइम हो गया सर। हाँ इंस्पेक्टर भरूचा। आप वो इंस्पेक्टर हैं? मैंने गुस्से में आकर थोड़ा चिढ़कर इसे घर से चले जाने को कहा था। देखो ये कितना दूर चला गया और मैं बैठी झूठी चिट्ठियां लिखती रही। लेकिन मैं साइकोलॉजिकल केस नहीं हूं, मैं टीचर हूं। मैं बच्चों को आदर्श सिखाती हूं और ये हमारा बच्चा, हम इसे कंप्यूटर इंजीनियर बनाने वाले थे है ना, और बन गया ये गैंगस्टर, लोगों को गोलियां मारने वाला। क्या ये सचमुच इतना बेरहम था? ये कैसे हो गया? ये तो बचपन में तितनियां पकड़ने से घबराता था कहीं उनके पंख न टूट जाएं। गलती हमारी है, हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई? नहीं रे नहीं, गलती इसका ही था, इतले इतना दिन रुका रहा तुम लोग से माफी मांगने को। चलो भाई वक्त हो रहा है। सवाल के सिर के चलिए मिसेस राव, चलिए। नहीं प्लीज नहीं, रुको 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 ना तुम। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि माँ को डांटने का भी कोई हक नहीं है। प्लीज मिसेस राव, माँ से रूट के कोई ऐसे चला जाता है? अम्मा चलो धीरज रखिए मिसेस राव प्लीज। ऐसी कौन सी गलती करती हूँ? प्लीज प्लीज मिसेस राव प्लीज। नहीं मुझे उससे बात करनी है। चलिए मिसेस राव, तीन साल कैसे बिताए बताओ तो सही उससे। माँ की एक बार याद आई क्या उसे? सुनिए पुनप्पा सुनील गया। हम पुलिस वालों का यही तो प्रॉब्लम है सर, हम लोग ठीक तरह से रो भी नहीं सकते। आपको आज सुकून मिला होगा ना सर? ऐसा लगता है जैसे अपना कुछ खो गया है। जिनको मिली है राहें, जिनको मिली है राहें, उनकी बात कुछ और है। जिनको मिली है राहें, उनकी बात कुछ और है। गुमराह हुए जो राह में, प्रश्न चिन्ह है
चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है। Thank you.